पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में 50 क्वेश्चंस किसी भी डिसिप्लिन का आपने पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देना है, किसी भी यूनिवर्सिटी का देना है, जो यूजीसी की रेगुलेशंस है वो 50 क्वेश्चंस जो आपको हर हालत में रिसर्च से और 50 क्वेश्चंस आपके जो डिसिप्लिन में है उनमें सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में हमें जो रिसर्च के हैं, रिसर्च के 50 क्वेश्चंस जो हैं किसी यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी जो एग्जाम लिया जा चुका है, प्रीवियस पेपर है, 50 क्वेश्चन वो सॉल्व करूंगा। साथ साथ में आपको बताऊंगा कि उसके साथ रिलेटेड और से कौन से कंसेप्ट है जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इंडिकेट टू हाउ दैट वेरिएबल मे बी मेजर। जब भी ऑपरेशनल वर्ड रिसर्च में आए तो याद रखना एम ई ए एस यू आर ई मेजर। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल हो बेशक, नंबर एक, जहां ऑपरेशनल हाइपोथेसिस हो, हाइपोथेसिस उसमें हर हालत में जो अगर डेफिनेशन है तो वेरिएबल की डेफिनेशन पहले दी हुई होगी, उसके बाद मेजर बताया गया होगा। मेजर क्या होता है के टूल, नेम ऑफ टूल, नेम ऑफ टूल, उसकी एग्जांपल मैं अभी दिखा। कोई भी वेरिएबल आपके रिसर्च का है, मेन वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो आपके टाइटल में होते हैं वो मेन वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेरी पीएचडी का ही मान लीजिए टॉपिक का पार्ट है ये। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ऑपरेशनली डिफाइन करूंगा। पहले उस वेरिएबल की डेफिनेशन दूंगा, फिर उसकी डायमेंशन की बात करूंगा। पहले आ गई डेफिनेशन नंबर एक, और उसके बाद आ गई डायमेंशन, और तीसरे नंबर पर नेम ऑफ टूल, ये जो है नेम ऑफ टूल आ जाएगा कि मैं बार ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंट्री या इमोशनल क्वोशेंट इन्वेंट्री यूज कर रहा हूं। जब ये लिखा हुआ है कि किसका टूल और उसका नाम और ऑथर या ये साथ में दिया हुआ है, तो वहां सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस चार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऑपरेशनल है। आपने क्या देखना है कि किस वेरिएबल या हाइपोथेसिस जो भी पूछा गया है उसमें टूल मेंशन है, जिसमें टूल मेंशन होगा वो ऑपरेशनल होगा। तीन वर्ड साथ में अब याद रखने हैं आपने, ऑपरेशनल, मेजर, मेजर कैसे करते हैं टूल से, इंस्ट्रूमेंट से, तो जो भी डेफिनेशन होगी उसमें उस टूल का नाम मेंशन होगा। आपको दिखा देता हूं, मेरे पास अब ये है स्टूडेंट एंगेजमेंट की, मेरी ही पीएचडी के स्टूडेंट की ऑपरेशनल डेफिनेशन है जो पीएचडी में से ली गई है। स्टूडेंट एंगेजमेंट रेफर्स टू साइकोलॉजिकल बिहेवियर वगैरह वगैरह, ये आगे सारा कुछ डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद वो बिहेवियरल जो है अफेक्टिव, और तीसरी होगी कोग्निटिव, ये डायमेंशन आ गई ना उसकी, और तीसरा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेजर्ड बाय, ये वर्ड जरूर होगा, मेजर्ड बाय क्या, स्टूडेंट एंगेजमेंट स्केल डेवलप बाय लैम एट अल 2012। तो जब ये आप देखोगे तो वो हो गया ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का नेक्स्ट मीनिंग क्या है कि आपकी रिसर्च में उसको उसके स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, क्योंकि अब स्टूडेंट एंगेजमेंट के किसी और थ्योरिस्ट ने या ऑथर ने कोई और मीनिंग लिए हो सकते हैं। अगर और कोई मीनिंग लिए हुए हैं तो उसके टूल भी डिफरेंट होंगे। नेचुरली आप बीइंग ए रिसर्चर आपको बताना होता है कि आपकी वो स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है जिसके जरिए आप मेजर करोगे और उसका नाम क्या है, ये बात है। ऑपरेशनल वर्ड जब भी आए, इससे ज्यादा कुछ अभी याद रखने की जरूरत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, जब भी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आएगी आपको दो तीन वर्ड याद रखने हैं। एक तो एक्स पोस्ट फैक्टो का लिटरेरी मीनिंग क्या है, आफ्टर द फैक्ट है, वैसे आप इसको इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर इतना भी याद है आपको, लेटिन वर्ड से लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो आफ्टर द फैक्ट है, इट मींस आफ्टर द इंसिडेंट होगा, यहां पर ऑप्शन है ना, ये क्या है, रिसर्चर कैरिड आउट प्रायर टू इंसिडेंट होने से पहले,
इंसिडेंट होने के बाद द रिसर्चर कैरिड आउट टू कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ, कभी ऐसे रिसर्च हो ही नहीं सकती हाँ सोशल साइंस में, द रिसर्च इज कैरिड आउट अलॉन्ग विद द हैपनिंग, जब जब हो रही है तब तब आप देख रहे हो। आप कोई सुनामी आ रहा है, मान लीजिए सुनामी की आपने एग्जांपल ले लिया, फ्लड की एग्जांपल ले ली है, जहां कोई भी नेचुरल क्लैमिटी है, क्योंकि नेचुरल क्लैमिटी इज द वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ एक्सपोज फैक्टर। क्या आप देखना चाहते हो इफेक्ट ऑफ सुनामी, हाँ टी से वैसे शुरू होता है ऐसे फिर क्या में, ऑन स्ट्रेस लेवल है ना ऑफ सफरर। अब सुनामी आया है मान लीजिए कलकत्ता में या किसी और साइड पर, तो ये पॉसिबिलिटी है एकदम रिसर्चर वहां पहुंच जाए, एक पॉसिबल है कि हैपनिंग हो रही है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप भी मारे जाओगे, तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस ऑप्शन बनी है। ऑप्शन मीनिंग दो ही बनती है, एक बात और मेजर बात, जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दो ऑप्शन ऐसी हो जो एक दूसरे के उल्ट है, प्रायर टू एंड आफ्टर टू, ये एक दूसरे के ओपोजिट है, तो जब भी कोई ऑप्शन ओपोजिट पाई जाती है दो, लगभग 99% चांसेस हैं, 100% भी बोल सकते हैं, 99% चांसेस है कि इन दोनों में ही वो राइट आंसर छुपा हुआ है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको लॉजिक बताया है क्योंकि अपने रिसर्चर भी बनना है कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप कॉमन इसको सोच, वो कैसे सोचोगे आप, आपने सोचना है कि जो टाइटल है इफेक्ट ऑफ सुनामी ऑन स्ट्रेस, सोच सकते हो इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन स्ट्रेस, आप ये सोच सकते हो। अब पहले केस में ए मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सुनामी है, दैट इज नॉट इन द हैंड ऑफ रिसर्चर, दैट इज व्हाई उसको जो इफेक्ट हो चुके हैं, इफेक्ट क्या है स्ट्रेस है, उससे वापस जाना पड़ेगा है ना, कॉज से इफेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव ये हो गया। तो ये तीन चार पांच जो बातें बताई हैं मैंने, रिट्रोस्पेक्टिव है, द मैनिपुलेशन इज नॉट इन द हैंड ऑफ रिसर्चर है, ये बहुत ज्यादा ऑप्शन या क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। आपने सिर्फ एग्जांपल एक याद रखनी, दूसरी एग्जांपल मैंने इसलिए दी सिगरेट स्मोकिंग की, कई बार एथिकली आप नाउ सिगरेट स्मोकिंग, आप एक ग्रुप को सिगरेट स्मोकिंग करानी है, ये रहा ये सिगरेट स्मोकिंग करा दी और ये सिगरेट स्मोकिंग इनको नहीं कराई ये ग्रुप को, तो इनका स्ट्रेस लेवल आपने देखा, इनका भी स्ट्रेस लेवल आपने देखा है ना, उनको कंपेयर किया किसका ज्यादा है, ऐसे इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन स्ट्रेस देखा जा सकता है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस ही है, पर वेदर इट इज एथिकल कि आप मैनिपुलेट करो, मैनिपुलेट मीन कि आप इंट्रोड्यूस करो, आप चेंज करो कि उनको सिगरेट स्मोक कर रही है, 10 बॉयज 10 बॉयज 30 30 इधर लिए, तो ये एथिकली होना नहीं चाहिए। कई बार आपके हाथ में नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कई बार आपके हाथ में है लेकिन एथिकली यू आर नॉट अलाउड टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज वाई इन दीज केसेस एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च इज कंडक्टेड। तो अब आपका उत्तर शायद मिल गया होगा कि द रिसर्चर कैरिड प्रायर टू इंसिडेंट, आप सुनामी से पहले कर सकते हो, सिगरेट स्मोकिंग से पहले कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या है कि कोई इवेंट हो चुकी है, सुनामी आ चुका है, उसके बाद आप इंसिडेंट हो चुका, उसके बाद आप देख रहे हो कि जो लोगों को स्ट्रेस हुआ था ये सुनामी के, जहां सुनामी आई वहां के लोगों का स्ट्रेस लेवल आपने कंपेयर किया, इतना आसान नहीं है ये, डिस्क्रिप्टिव लेवल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आप कोरिलेट कर लोगे, क्योंकि इसमें कंट्रोल भी करना होता है, उसके लिए इक्वेटिंग करनी होती है ग्रुप्स की ऑन इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक ये भी बात जा रही है, क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि इक्वेटिंग किस पर करनी है, इंटरवेनिंग वेरिएबल पर, नॉट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये ऑप्शन गलत होगी अगर ये पूछा जाता है। तो स्ट्रेस ये हो गया कि ये सुनामी वाले हैं, इनकी भी स्ट्रेस देखिए, ये नॉन सुनामी वाले हैं, इनको कंपेयर किया, ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे ये अगर एक्सपोज फैक्टर पूरा समझना है उसके लिए डिफरेंट वीडियो होगा, वो लिंक नीचे दिया गया होगा, उस पर आप देख सकते हो कि कैसे डिटेल में एग्जांपल से कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसमें और कौन कौन सी कमियां होती हैं एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इट मींस हम क्या देखा कि अक्कर हो चुका है इंसिडेंट और आपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज है उसको उठाया, सॉरी इफेक्ट है उसको उठाया, हाँ यहां भी मैंने मेरे ख्याल में कॉज लिख दिया, नहीं ये इफेक्ट है ये कॉज है, सॉरी
तो उसको उठाया, कंपेयर किया, लेकिन देख लिया कि इंटेलिजेंस लेवल इंटरवीन कर रहा है, तो इंटेलिजेंस के लेवल पर आपने दोनों को इक्वेट कर लिया। इतनी एग्जांपल यहां दे सकता हूं क्योंकि हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर है कि इंसिडेंट होने के बाद, सुनामी के बाद ही आप एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कर सकते। नो कोरिलेशन, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड फैमिली एनवायरनमेंट। नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, यहां मैंने क्यों अंडरलाइन किया, दिस इज द मेन पॉइंट। नो रिलेशनशिप, कोरिलेशन स्टडी है, इससे पता चला नो रिलेशनशिप। जब नो रिलेशनशिप है, अभी बताता हूं, जनरली वो नल हाइपोथेसिस ही होता है, जनरली बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट। ये देखना है, कई कई बार आपको और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस पर में कौन से स्केल है। एकेडमिक अचीवमेंट आपके मान लीजिए 100 में से 80 नंबर है ना, 80% है, तो ये ऐसे अगर स्कोर आता है तो ये इंटरवल स्केल पर है, इंटरवल स्केल पर है। तो फैमिली एनवायरनमेंट भी मान लीजिए आपको आइटम दी गई थी, ऐसे ऐसे मेरा फैमिली एनवायरनमेंट, आप 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से एक टिक करना है, तो ये ऐसे ही 170 ऐसे स्कोर आएगा। ये भी इंटरवल स्केल पर है, इंटरवल स्केल पर है। तो पूछा क्या गया है, लेकिन ये नहीं है, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। नो कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड फैमिली एनवायरमेंट ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट इज द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं, वैसे होता भी है ऑब्जेक्टिव। ये तो दो, ये क्यों डिलीट पहले ही कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज अ मेथड कि आप जो मोस्ट लीस्ट लीस्ट रेलेवेंट ऑप्शन है उनको पहले डिलीट कीजिए और फिर इन पर रीजनिंग। तो वैसे तो सीधा दिखाई दे रहा है कि नल हाइपोथेसिस ये बन रहा है कि नो कोरिलेशन है, इसका मतलब होता है कि एकेडमिक अचीवमेंट और फैमिली एनवायरमेंट इक्वल है, इक्वल बीन नो डिफरेंस और नो रिलेशन। ठीक है, यहां पर नो रिलेशन की बात की गई है, तो नल हाइपोथेसिस को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, विच इज नॉट मैनुअल ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। तो काफी ज्यादा हैं, उनको आपको देख लेना चाहिए कि कौन कौन से एपीए स्टाइल, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दैट इज व्हाई बता रहा हूं यहां पर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके, तो ये किन किन के ये यूज ज्यादा किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी के लिए क्या यूज होगा, चार ऐसे ऑप्शन दी होगी, एमएलए दिया होगा है ना, कोलंबिया गाइड ऑफ ऑनलाइन स्टाइल ये दिया होगा, या कोई और ऑप्शन है। और सोशियोलॉजी के लिए, लिंग्विस्टिक के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, क्रिमिनोलॉजी के लिए, और एज वेल एज बिजनेस एंड नर्सिंग के लिए है ना। मैं लिंग्विस्टिक के लिए क्वेश्चन मार्क डालता हूं क्योंकि लिंग्विस्टिक जहां लैंग्वेज के लिए एमएलए स्टाइल यूज होता है। हाँ, एजुकेशन को इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, क्रिमिनोलॉजी और बिजनेस, इनके लिए आप मोस्टली एपीए स्टाइल यूज होता है ऐसा मान लें। इस पर स्टडी करके डिफरेंट वीडियो आएंगे, यहां तक तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके लिए काफी है। दूसरा है एमएलए स्टाइल, हमने ये देखना था उनमें से कौन सा नहीं है। एमएलए स्टाइल, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक, तो ये मोस्टली ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट और आर्ट की बात की है, लेकिन लैंग्वेज इसका मेन है। मैं इसके लैंग्वेज के फेवर में हूं कि इसका अगर ऑप्शन पूछा जाता है आप लैंग्वेज वाली फेवर करनी है। अगर लैंग्वेज वाली आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ इसको उड़ा देते हैं, CGOS स्टाइल, कोलंबिया गाइड ऑफ ऑनलाइन स्टाइल, अच्छा CBE स्टाइल, काउंसिल ऑफ बायोलॉजी एडिटर, अच्छा हार्वर्ड स्टाइल है ना, ये क्वाइट सिमिलर टू एपीए स्टाइल। ये पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड स्टाइल और किसकी मैचिंग ज्यादा, एपीए स्टाइल कॉमन इन यूएसए, हार्वर्ड स्टाइल इज पॉपुलर इन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, पूछे जा सकते हैं। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है ना, तुर्बानिया स्टाइल, ये लगभग सिमिलर है, दैट इज वाई इनको इकट्ठा डाला गया है। तो ये किसके लिए, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा, इट इज यूज इन हिस्ट्री, लिटरेचर एंड आर्ट, ये कंफ्यूज कर सकते। AMA स्टाइल, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है ना, वहां साइकोलॉजिकल था, सोशियोलॉजिकल भी है, ये भी बात है।
अच्छा इसकी फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। तो ये स्टाइल थे हमारे पास, ये रहे क्वेश्चन क्या था, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल यहाँ दिया गया है, ये होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, शिकागो भी मिल गया, हमें ये नहीं मिला एच ए डब्ल्यू ए आई आई ए एन हवाई मैनुअल स्टाइल। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से हमारा, डी, क्योंकि रॉन्ग हमने ढूंढना था ना, ये हमें मिल गए हैं, ये भी मिल गए, ये भी मिल गए, ये वाला नहीं मिला। नेक्स्ट है फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटीरियल इन ए रिसर्च रिपोर्ट इज कॉल्ड, फेल हुए हो आप। एक्नॉलेज में तो थैंक यू किया जाता है कि लाइब्रेरियन का थैंक यू, ये टीचर का थैंक यू, स्टेटिस्टिशियन का थैंक यू जिसने मेरी रिसर्च में हेल्प की, मेरे गाइड का थैंक यू, गॉड का थैंक यू, आप ऐसे भी कर देते हो, एक्नॉलेजमेंट ये होती है ना। इंडेक्स में तो डिटेल होती है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर है, किस पेज पर है और उसका हेडिंग सब हेडिंग क्या है, तो ये वो वाले तो नहीं दिख रहे। फुट नोट, फुट और नोट मेरे ख्याल में क्लियर है, तो प्लैगरिज्म ही बचता है। प्लैगरिज्म एक चोरी को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है, प्लैगरिज्म मीन सिमिलैरिटी इंडेक्स, सिमिलैरिटी इंडेक्स है ये, एक सिमिलैरिटी किसमें देखनी है, आपकी रिसर्च रिपोर्ट में, आर आर मेन रिसर्च रिपोर्ट, और जो कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर जो मटेरियल पड़ा है। मान लीजिए आपने नेचुरली, क्योंकि आप इंटरनेट से निकालते हो प्लैगरिज्म, इसलिए यूनिवर्सिटी ने किया है, ये भी पूछ सकते हो यूजीसी ने कितना मिनिमम रेंज रखी है प्लैगरिज्म, 10% से ज्यादा होगा तो आपकी पीएचडी या रिसर्च वर्क जमा नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, प्लैगरिज्म को इंडिया में इवेल्युएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है ना, यूजीसी ने जो दिया गया ऑरकुंड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि ये बात कर रहे थे कि जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट है वो फाइनल हो जाती है, वो ऑरकुंड पर अप्लाई करके आपके रिसर्च गाइड जो है सुपरवाइजर है वो देखते हैं कि 10% से कई यूनिवर्सिटी ने ज्यादा भी रखा हो सकता है, लेकिन यूजीसी की रेंज ये है, उन्होंने ये इतना दिया है। तो अगर 10% से ज्यादा है तो आपका सबमिट नहीं होगा, आपको रिवाइज करना होगा, जो डुप्लीकेट सिमिलैरिटी इसमें है वो आपको एडिट करनी होगी, रिमूव करनी होगी। तो जब तक आपका 10% से कम नहीं आ जाता तो ये प्लैगरिज्म आपकी से ये जो है रिसर्च वर्क है सबमिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, इफ इन ए सिचुएशन एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस, ये वर्ड जब भी आता है तो बस एक रैंडम सैंपलिंग की याद आ जाती है कि हैज इक्वल चांस, जब एडमिट में पढ़ते थे ना तो यही दोबारा, तो ये रैंडम से है, इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड है ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी पॉपुलेशन है, अच्छा मान लीजिए ये पॉपुलेशन है और इनमें से आपने ये 1,00,000 जने हैं या 10,000 जने हैं, आपने 100% को सिलेक्ट करना है, तो आप इनकी स्लिप डालते हो, जो कंप्यूटर में नंबर जनरेट कर लेते हो, जो रैंडम नंबर भी होता है, तो किसी बच्चे को आप जैसे कहते हो कि यार इसमें से एक उठा लो, अब सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, अगर आप सोचते हो यार मैंने इस साइड वाले उठाने हैं या मैंने इंटेलिजेंट बच्चे, आप बायस हो गए ना, इस बायसनेस को रिमूव करने के लिए, अपने रैशनैलिटी को बीच में इंट्रोड्यूस ना करने के लिए सैंपलिंग टेक्निक में, तो ये रैंडम सैंपलिंग टेक्निक होती है जिसमें आपकी कोई बायसनेस सैंपल सेलेक्ट करने को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इट मींस कि हर एक यूनिट के, ये एक डॉट जो है एक एक यूनिट है, हर यूनिट के इक्वल चांस है, अगर आप बायस है तो इक्वल चांस नहीं होंगे, डेमोक्रेसी क्या इक्वालिटी है ना, उसको याद करो, इक्वल चांस है तो रैंडम सैंपलिंग है। रैंडम सैंपलिंग को दूसरा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहा जाता है, कि इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। तो वापस चलते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या था कि इन सिचुएशन एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, देन इट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग, नो परपजिव सैंपलिंग, नो नॉन प्रोबेबिलिटी, नो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, आ गया ना। तो राइट आंसर क्या है हमारा, यहाँ पर टिक कर दूं, कई बार कह देते हैं सर आपने टिक नहीं किया था, ये ले टिक कर दिया, आइए गोला गोला भी डाल दिया है ना। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, जिसमें आपने
अपनी इंटेंशन को, बायसनेस को, रीजनिंग को, एक्सपर्टनेस को यूज करके किसी खास सैंपल को यूज करना है। फॉर एग्जांपल केस स्टडी है, केस स्टडी में नेचुरली है कि आप केस जो है हमेशा ही अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देखो तो यहाँ पर एक्सट्रीम में जो डेविएटेड है, मान लो आईक्यू है, ये वेरी लो आईक्यू वाले बच्चे आ गए ना, मान लीजिए ये 50% से कम, मान लीजिए 50 पॉइंट से कम जिनका आई, और ये इनका 180 से ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा कम है, तो ये केसेस हैं। केसेस हमेशा एक्सट्रीम में होते हैं, नॉर्मल वाला केस नहीं होता। नॉर्मल वाला जनरलाइजेशन के लिए सर्वे, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में है ना यूज किए जाते हैं। नो डाउट इन पर भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप नेचुरली है, जब आपने ये देखना है कि मैंने बहुत ही लो आईक्यू वाले बच्चे मुझे चाहिए, नेचुरली आप बायस हो गए कि यार वो बच्चे जो ये आईक्यू वाले हैं और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, आपको ऐसे सिलेक्टेड पॉपुलेशन है ना, तो आप चूज करोगे कि आपने देखना है कि यार इनको पहले स्टडी कर लूं, फिर मैं लार्ज सैंपल सिलेक्ट करूंगा, 20 का, 30 का, 40 का, जितने भी पायलट स्टडीज। मैनी प्रॉब्लम जो है लार्ज सैंपल पर आएंगे उसको पहले ही समझ लेना है, अपना रिसर्च डिजाइन इंप्रूव करना है, उसके लिए पायलट स्टडी, आप फिजिबिलिटी स्टडी भी इसको बोलते हैं, तो वो पायलट स्टडी को समझ लेते हैं, तो आप पायलट स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आप जो सैंपल अब सिलेक्ट कर रहे हैं वो पर्पजिव सैंपलिंग है। पर्पजिव सैंपलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए पर्पजिव सैंपलिंग है ना आ गया, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है हमें मिल चुका है। हम आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स, तो जहां भी डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्टिव वर्ड आ रहा है वो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, ये बात हमेशा याद रखना, प्रेजेंट को। तो टाइम के आधार पर हमारे पास जो रिसर्च है, जैसे टाइम के बेस पर, वैसे ये क्राइटेरिया कोई नहीं लेता, जो पास्ट को स्टडी करते हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, जो फ्यूचर को, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई, जो प्रेजेंट को है ना वो डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल रिसर्च हो गई, डिस्क्रिप्टिव ये इतना लिख देता हूं। तो यहां पर विल भी क्या कह रहा है, ये विल भी यहां आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल फ्यूचर, हैज हैपेंड कहां जा रहा है तो पास्ट में जा रहा है, अब ये देखिए वाज कहां जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रही है ना, अगर आपको नॉलेज नहीं थी आप वर्ड से भी राइट आंसर पर पहुंच सकते हो, ये थोड़ी चलाकी वाली बातें हैं। अच्छा, फिनोमिनोलॉजी इज ए मेथड बेसिकली यूज इन, फिनोमिनोलॉजी होती क्या है, पहली बात कि ये क्वालिटेटिव मेथड है। देखिए एक डिवीजन जो रिसर्च की होती है वो डाटा के बेस पर होती है, डाटा दो तरह डिवाइड किया जाता है, एक तो न्यूमेरिकल, एक नॉन न्यूमेरिकल, क्या हो गया जो लैंग्वेज में होता है, स्टेटमेंट्स में होता है, लैंग्वेज स्टेटमेंट्स है ना, न्यूमेरिकल क्या है 13, 15, 18 है ना, 120 मीन, मीडियन, मोड, स्टैट्स सारा न्यूमेरिकल पर होता है, और यहां पर नो क्वालिटेटिव, तो डाटा के बेस पर रिसर्च को भी ये न्यूमेरिकल को बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ओके, ये हो गया क्वालिटेटिव। तो एक रिसर्च बनी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें मेन आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अगर पूछा जाए क्वांटिटेटिव है यस एक्सपेरिमेंटल, अगर कोरिलेशन पूछा जाए यस कोरिलेशन रिसर्च भी क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव में कौन कौन सी आ जाती है, केस स्टडी 5 है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए बता रहा हूं, एक फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी कल्चर की स्टडी, और आ गया आपका फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, नरेटिव रिसर्च, और आपका आ गया ग्राउंडेड थ्योरी पर इन डेप्थ एनालिसिस करके, काफी वीडियो आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे, बहुत वीडियो अभी मिलेंगे आपको ग्राउंडेड थ्योरी पर, ग्राउंडेड थ्योरी की प्रोसेस क्या होती है, ग्राउंडेड थ्योरी की फॉर्म्स क्या होती है, जैसे क्लासिकल फॉर्म है, इवॉल्व फॉर्म है, कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्म है ना, तो इसका जन्म कैसे हुआ, एक वीडियो ऐसे ही होगा, तो ग्राउंडेड थ्योरी की प्रोसेसेस क्या है, स्टेप्स जो क्या है, अच्छा डाटा एनालिसिस और डाटा कलेक्शन किस स्टडी में साथ साथ चलते हैं, कंकरंट चलते हैं, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ग्राउंडेड थ्योरी, अच्छा कोई ऐसी अगर आप कोई थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा बनाना चाहते हो उसकी डेफिनेशन ग्राउंडेड थ्योरी,
अच्छा इसका क्या मतलब है कि डाटा के बेस पर थ्योरी बनानी, वो जो पावलो वगैरह उन्होंने डाटा नहीं कलेक्ट किया, नहीं उन्होंने लिटरेचर भी स्टडी किया था, लिटरेचर स्टडी करके लिटरेचर में से हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, वो थ्योरी होती है और एक्सपेरिमेंट में उस थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। तो पहले रैशनैलिटी है, थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट किया जाता है, डिडक्टिव अप्रोच होगी, इन सभी में इंडक्टिव अप्रोच होगी, बेस से चला जाएगा, दिस इज हाईली इंपीरिकल। पॉजिटिविज्म का सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर इनमें से देखना है आप ग्राउंडेड थ्योरी में है ना, मिलेगा आपको। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म किस पर किससे रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, तो इनमें से आप ग्राउंडेड थ्योरी को टिक करोगे। इसके अलावा आपको मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, क्रिटिसिज्म है, अच्छा डाटा कलेक्शन कितनी तरह से होता है, डाटा एनालाइज कितनी तरह से होता है, उनके जो तीन स्टेप्स हैं इनिशियल कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग एंड एडवांस्ड कोडिंग, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। जनरली उसके लिए शब्द क्या यूज किए जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है हम, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग, सेलेक्टिव कोडिंग है ना, तो कई बार वो इसकी जगह पर डाला होता है फोकस्ड कोडिंग। तो जब फोकस्ड कोडिंग सेंटर में डाल दिया एक्सियल की जगह पर फोकस्ड, तो वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिविस्ट क्रैम्स की अप्रोच है वो ग्राउंडेड थ्योरी ही। तो ऐसे कितने डिफरेंस है, कितने क्वेश्चन है, लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ग्राउंडेड थ्योरी पर मिलेंगे। अगर आप यूजीसी नेट या फर्दर कोई भी रिसर्च करना चाहते हो, एनालिसिस करके उसको बनाया है। अच्छा नरेटिव रिसर्च में एक बंदे की एक सैंपल एक है ना, लगभग एक है, दो भी हो सकते हैं, मोस्टली एक ही होता है, उसकी जो स्टोरी है उसको क्वालिटेटिवली सर्च किया जाता है। एथनोग्राफी में कल्चर को सर्च किया जाता है, अगर सैंपल देखना हो, इसमें सिर्फ एक सैंपल बचा है, लेकिन एथनोग्राफी में ज्यादा सैंपल होगा, कल्चर को स्टडी करना है। अच्छा 20 से 30 कम से कम, जब तक सैचुरेशन डाटा, अगर ऐसी टर्म आती है तो ग्राउंडेड थ्योरी आ गई, सैचुरेशन डाटा, डाटा सैचुरेशन, थ्योरेटिकल सैचुरेशन, तब तक सैंपलिंग करते रहना जब तक कि नई नॉलेज मिलनी बंद ना हो जाए, उसको डाटा सैचुरेशन कहते हैं। थ्योरेटिकल सैंपलिंग वर्ड आता है तो ग्राउंडेड थ्योरी उसका आंसर होगा। ये मेरे ख्याल में काफी आंसर आपको यहीं बता दिए हैं। तो केस स्टडी और नैरेटिव स्टडी, इनका सैंपल साइज कम होता है, ग्राउंडेड स्टडी का रिलेटिवली लार्ज सैंपल होता है। फिनोमिनोलॉजी क्या है कि बेसिकली एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कौन से, जो कॉमन एक्सपीरियंस है, लाइव्ड कॉमन एक्सपीरियंस, ये तीन सेंट्रल आइडियाज हैं। इसके अलावा जब वीडियो इस पर बनेगा उस पर डिटेल में बनाऊंगा। तो यहां पर फिनोमिनोलॉजी है, तो ये देखिए कि फिनोमिनोलॉजी इज द मेथड बेसिकली इन यूज, इसे पूछा गया ना, तो फिलोसफी में तो फिनोमिनोलॉजी है हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारी ही सारी इंपीरिकल है, डाटा डायरेक्टली और क्वालिटेटिव होगा। एक बात बता दो, क्वालिटेटिव है ना, अगर ये पूछा जाए, फिलोसॉफिकल का डाटा भी क्वालिटेटिव होता है, लेकिन इसका डाटा जो है इंपीरिकल नहीं होता, ये आइडियाज होते हैं इसमें, आइडियाज, बस आइडियाज, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, महात्मा गांधी जी का है ना, गुरु नानक देव जी के, उनके आइडियाज, उनकी फिलोसॉफिकल आइडियाज को एनालाइज किया जाता है। तो ये क्वालिटेटिव है लेकिन इनका डाटा इंपीरिकल नहीं है। इनका इंपीरिकल कैसे है, ये उस पर्सन के पास जाएंगे, जैसे ग्लेजर हॉस्पिटल में डेथ एंड डाइंग जो जन्म इसका हुआ था ना, उसमें इन्हीं की बात आएगी, ग्लेजर की बात आएगी। तो वो जो पर्सन मर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, जो उनके रिलेटिव हैं उनसे बात करते हैं, नर्स जो उनको डेथ हो रही है उन पर्सन को, उनको देख रही है कि आप कैसे फील कर रहे हो, आप उनको बताओगे कि उनकी डेथ हो जानी, उन्होंने बचना नहीं है, और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ऐसी सोशियोलॉजिकल स्टडी है। तो वो नेचुरली डॉक्टर से बात करते हैं, स्टाफ की जो फोकस्ड इंटरव्यू करते हैं, तो ये डाटा डायरेक्टली कलेक्ट किया गया, फिलोसॉफिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होना है ना। अच्छा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव है प्योरली, ये बात हम करके आए हैं, तो वो इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, जब देखना हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सको, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करना है, मेजर करना है, इसमें चेंज क्या आते हैं, इसको इफेक्ट वेरिएबल, इसको कॉज वेरिएबल भी कह सकते हैं, इसको स्टिमुलस वेरिएबल, इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कह सकते हैं।
अच्छा ये तो डिलीट हो गया ना कि फिनोमिनोलॉजिकल बेसिकली क्योंकि क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है इसलिए नहीं, फिलोसफिकल क्यों इसलिए क्योंकि डाटा इसका एम्पिरिकल नहीं है, ये डिलीट हो गया ना। तो ये हिस्टोरिकल है, तो हिस्टोरिकल भी क्वालिटेटिव, मोस्टली डाटा इसका क्वालिटेटिव होता है। तो ये पास्ट की स्टडी है, तो पास्ट में हम भूतों से बात करेंगे नहीं, इंटरव्यू किसकी लेंगे। तो ये की बच रही है कि एजुकेशनल रिसर्च में आप फिनोमिनोलॉजी को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप लर्नर्स की, टीचर्स की, हेड्स की इंटरव्यू लेके उनको ऑब्जर्व करके, क्यों मैं दो बोल रहा हूँ, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन दो बोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च के मेन दो टूल यही है। ठीक, ये ग्राउंडर थ्योरी में तो ये भी कह दिया ग्लेजर ने कि एवरीथिंग इज डाटा, ऑल इज डाटा, डिक्टम ये दी हुई है। तो अगर ये डिक्टम है तो अगर ये पूछा जाता है तो ग्राउंडर थ्योरी उसका आंसर आएगा। अच्छा, फिनोमिनोलॉजी इज द मेथड बेसिकली यूज्ड इन, अब ये नहीं अगर क्वालिटेटिव होता यहां पर तो क्वालिटेटिव को टिक करना था, यहां पर नहीं है। ये भी पास्ट की है, क्वालिटेटिव है बेशक, पास्ट की है लेकिन इंपीरिकल नहीं है, इंपीरिकल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पॉइंट के इंपीरिकल नहीं है। इंपीरिकल क्या होता है कि डायरेक्ट आप सोर्स से प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा लेते हो। तो हिस्ट्री में तो कोई पुराना डाटा है, फर्स्ट हैंड डाटा नहीं मिलता, सेकेंड हैंड डाटा मिलता है। तो ये है हमारा डायरेक्ट बन रहा है एजुकेशनल रिसर्च, इसमें राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, काइसियर टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब सिंपल देखिए, कई ऑप्शन बड़ी नॉनसेंस डालते थे, सर्वे टेस्ट ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा था कि दो ओपोजिट जब मिलती हैं तो राइट आंसर उसमें होता है। दो ओपोजिट क्या दिख रही है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो राइट आंसर इनमें से ही होगा, इनमें से राइट आंसर नहीं हो सकता। ये आपको एक गैस वर्क लगाने की, जहां क्योंकि जो जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर है, एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर है, उनके माइंड की सेटिंग बोल रहा हूं ऐसे ही होती है। अब फाइल स्केल को देखना है कि ये कौन सा टेस्ट है, वैसे तो डायरेक्टली बता देता हूँ नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक क्या होते हैं, जो पैरामीटर पॉपुलेशन की जो बेसिक अजम्पशंस है। नॉर्मली एक बात है कि जब डाटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरामेट्रिक टेस्ट, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं जहां सिक्योर्ड है तो नॉन पैरामेट्रिक। अगर ये कहा जाए कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरामेट्रिक लगेगा या नॉन पैरामेट्रिक, दोनों ही लग सकते हैं। इसके लिए रिजिड कंडीशन हो गई ना कि आप भाई नॉर्मली चाहिए, तो ये कहते हैं नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल फिर भी चल जाएगा। फ्लेक्सिबल इट मींस पैरामेट्रिक टेस्ट की कंडीशन जो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, ये रिजिड होती हैं, उनमें से एक आपको ये। अच्छा, ये कुछ टेस्ट हैं सिर्फ आप याद कर सकते हो, इसमें मेरी मेहनत नहीं है, ऐसे मैंने नेट से उठाया है सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। पैरामेट्रिक टेस्ट में ये देखिए कौन कौन सा बताया गया है, रेड वाला कलर ले लो, वन सैंपल टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ये पैरामेट्रिक में आ रहा है। अब ये आप हैरान होंगे, आपको अगर क्वेश्चन पूछ गया टी टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है, यहाँ पर टू मीन्स हो, मीन्स जहां दो ग्रुप्स हो, मीन्स वन एंड मीन्स टू, है ना। तो ये कह रहे हैं वन सैंपल, तो दूसरा मीन कहां से आएगा, वन सैंपल में दूसरा मीन पॉपुलेशन मीन होता है, पॉपुलेशन मीन, इट मीन वन सैंपल है, एक पॉपुलेशन का मीन है, हमें नोन है जो एस्टिमेट किया गया है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये टी टेस्ट लगता है या जेड टेस्ट लगता है, वो सिर्फ बात है कि स्मॉल सैंपल साइज या लार्ज सैंपल साइज, इतनी सी बात है। अच्छा, तो अब दो जनों को ये कंपेयर कर रहा है, मीन वन एंड मीन टू, मीन टू किसका है, पॉपुलेशन का। तो दूसरी तरफ एक ही पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल निकाल लिया और दूसरा सैंपल निकाल लिया, मेल का और फीमेल का, है ना, वन और टू हो गए। इन पर जब अप्लाई करना है ये हो गए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अगर हमने मेल फीमेल रूरल अर्बन ऐसे कोई मीन निकाला हुआ है तो यहां पर लगेगा टी टेस्ट जेड टेस्ट, टी और जेड की स्मॉल और लार्ज सैंपल की ही वेरिएशन है। अच्छा, पेयर्ड सैंपल कब लग रहा है, इसमें भी है। अगर आप मान लीजिए, मैं पीछे बात करके आया हूँ, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन आप देखना चाहते हो, ये एक ग्रुप को मैंने मेडिटेशन करवाई और उसका स्ट्रेस लेवल देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया,
और ये जो जने हैं एक दो तीन चार मान लीजिए 50 जने है ना, सैंपल साइज हो गया, तो इनका पहले स्ट्रेस भी मैंने देखा, पहले स्ट्रेस लेवल कितना था मान लीजिए 100 था, और मेडिटेशन करवाने के बाद में देखा तो इनका स्ट्रेस लेवल मान लीजिए रह गया 80। तो ये स्कोरिंग है। अब मैंने क्या किया कि ये स्ट्रेस का स्कोर है पहले का उन्हीं बच्चों का है ना, ये 80 है। अब इसके बीच में टी टेस्ट लगेगा, वो टी टेस्ट कौन सा लगेगा, ये वाला भैया जी पेयर्ड, दूसरा नाम इसका क्या है, कोरिलेटेड, रिलेटेड, ओके, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कितने नाम हो गए, पेयर्ड कोरिलेटेड डिपेंडेंट। इसमें क्या होगा, इसमें जो सैंपल दो होंगे, ये सैंपल लेकिन पर्सन सेम ही है ना, दो बार मेजरमेंट है, एक्चुअली यहां टू सैंपल नहीं आना चाहिए, सेम सैंपल की, सेम सैंपल की यहां पर, सॉरी यहां पर पेयर पर, सेम सैंपल की वन टाइम मेजरमेंट एंड सेकेंड टाइम मेजरमेंट की जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, ऐसे ही आप एग्जांपल को देखिए, इसको याद रख सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखना है, पहले मेजरमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पर ली गई है स्ट्रेस की यहाँ बात की है, फिर उसका दो एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट देने के बाद किया गया, तो कौन से टेस्ट लगाओगे, एक्चुअली आप पेयर्ड कोरिलेटेड और डिपेंडेंट इसको चूज करना है। अब है नॉन पैरामेट्रिक, सिर्फ इनकी नाम बताऊंगा, वन सैंपल है काई स्केयर, यही बात कर रहे थे यहां से आगे, काई स्केयर है, KS है, रन्स टेस्ट है, बाइनोमिनल है, काई स्केयर मोस्टली पूछा जाता है। टू सैंपल में कौन सा आता है, काई स्केयर भी आ रहा है, मन विटने टेस्ट बहुत आता है, मन विटने टेस्ट में भी टू सैंपल होते हैं और उनमें डिफरेंस देखना होता है, तो जो अगर डिफरेंस देखना है दो वो है तो टी टेस्ट क्यों नहीं लगना, मन विटने क्यों लगना है, जब डाटा, ये क्वेश्चन पूछा बहुत तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं, जब डाटा रैंक ऑर्डर में है, ऑर्डिनल स्केल में है, रैंक ऑर्डर यहां लिख रहा हूं ऑर्डिनल स्केल, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकंड ये पर्सन सेकंड है, ये थर्ड है, जब ऐसे हो, ये ऑर्डिनल स्केल है, तो जब डाटा इस पर है आप कंपेयर दो मीन करना चाहते हो, बाकी सब कुछ सेम है, तो आप टी की जगह पर लगाओगे मन विटने टी टेस्ट, लेकिन या अगर इंटरवल स्केल पर है, इंटरवल स्केल पर है डाटा, तो आप टी टेस्ट लगाओगे, ये वाले लगाओगे। ये भी एक कंडीशन है कि पैरामेट्रिक टेस्ट में डाटा मिनिमम इंटरवल स्केल पर होना चाहिए, इधर इंटरवल से डाउन ऑर्डिनल आ गया, ऑर्डिनल स्केल पर भी लगते हैं, मीडियम देखिए ऑर्डिनल स्केल पर, KS टेस्ट है, साइन टेस्ट है, विलकॉक्सन टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, साइन टेस्ट, विलकॉक्सन टेस्ट और मैकनियर नेमार टेस्ट, ये वाली इंपॉर्टेंट है टेस्ट, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय, देखिए एक रिफ्लेक्शन होती है, एक इंट्रोस्पेक्शन होती है, इंट्रोस्पेक्शन पहले जो साइकोलॉजी डेवलप हुई थी उसका एक मेथड है, एनिमल कोई करेगा, देखिए थियर पता नहीं क्या है, कांटा लग रहा है, अदर्स दूसरे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं इंट्रोस्पेक्शन में इंट्रो आपको, ठीक है आपकी थिंकिंग चल रही है, आप ही अपनी थिंकिंग के बारे में, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है वो मैं देख रहा हूं, रिफ्लेक्शन डिफरेंट, आपका एक्सपीरियंस एक हो चुका है, आप उस एक्सपीरियंस को देख रहे हो, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगली बार ऐसा कैसे मैं रोक सकता हूं, अच्छा इसमें बेस्ट क्या था, इसमें सबसे बुरा क्या था, इसमें सबसे ज्यादा लर्निंग वाला क्या था, इसमें सबसे ज्यादा वो क्या था जिसका मैंने अगली बार ध्यान, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। मेटाकॉग्निशन और रिफ्लेक्शन में और डिफरेंस है, यहां नहीं बात कर सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, सैंपलिंग एरर क्या है कि जो पॉपुलेशन की का मीन है, ये है पॉपुलेशन, इसका मीन है बेशक वो एस्टिमेटेड है, और जो इसमें से आपने एक सैंपल निकाला उसका मीन है, इन दोनों मीन मान लीजिए ये 100 है, IQ का टेस्ट लगाया, पॉपुलेशन का 100 है मान लीजिए एवरेज, और आपका आया 99 है ना मीन्स फोर, तो 1 जो है डेविएशन है वो सैंपलिंग एरर, ठीक, तो ये भी डेविएशन है, ये भी एक्चुअली डेविएशन है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड एरर है, मेजरमेंट है। सैंपलिंग एरर एक वैसे जो कंसेप्ट है क्वालिटेटिव दिखाई दे रहा है ना ज्यादा, तो ये ज्यादा क्वांटिटेटिव। राइट आंसर हमारा हो गया बी। अभी चलते हैं रीअरेंज। रीअरेंज इज प्रॉपर ऑर्डर फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन में अगर मैंने मान लीजिए तुक्का भी लगाना है आपको नहीं, तो आप प्लानिंग हर हालत में शुरू में ही करते हो ना, ये तो बात पता है। कोई भी गोल सेटिंग है ये बात याद रखना, अगर किसी को ऑर्डर करना है ऑब्जेक्टिव्स है प्लानिंग है ये नेचुरली शुरू में ही आएगी। ठीक, तो सबसे लास्ट में इसके क्या आता है वो है रिलायबिलिटी वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। नॉर्म्स ये लास्ट में होता है। इट मीन्स लास्ट इसमें फोर हो गया, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया। अगर ऐसे आपने देखना है आप देखिए बी फर्स्ट में है और सी लास्ट में है, वो कौन सा होगा? ये मिल गया बी पहला हो गया, ये बी जी पहला प्लानिंग कर ली, और फिर ए हो गया जी प्रेपरेशन ऑफ आइटम, बिल्कुल ठीक है आपने प्लानिंग की उसमें से बाद में आइटम बनाई, मान लीजिए मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट है उसकी प्लानिंग करके मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ी और उसमें से 40 जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बना लिए। अब थर्ड पर डी आ रहा है, ट्राई आउट किया गया सैंपल पर लगाया गया 200-400 बच्चों पर है ना, उसका डिस्क्रिमिनेशन आइटम एनालिसिस यहाँ पर होता है। आइटम एनालिसिस मेन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आइटम डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन वैल्यूज या पावर डिस्क्रिमिनेशन पावर। अगर ये कि हर कि कोई भी टूल है उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर हर हालत में निकलनी है जो वैलिडिटी को निर्धारित करती है, आगे रिलायबिलिटी वैलिडिटी बेटर निकलती है। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या पूछा जा सकता है कि डिफिकल्टी वैल्यू भी आइटम एनालिसिस में हो सकती है? यस, डिस्क्रिमिनेशन पावर 100% सभी में होगी जितने भी स्टैंडर्डाइज होने हैं। डिफिकल्टी पावर तब होगी अगर एबिलिटी टेस्ट है, कहां गया अभी लाइन कहां गई, अगर एबिलिटी टेस्ट है। एबिलिटी टेस्ट क्या होता है? जिसके उत्तर राइट और रॉन्ग होते हैं, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन एक नंबर राइट का 0 रॉन्ग का, जिसके ऐसे उत्तर होंगे उनकी एबिलिटी टेस्ट हो, वो एबिलिटी टेस्ट होगा और उसकी डिफिकल्टी वैल्यू भी हर आइटम की दिख रहेगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन पावर स्केल है, बेशक वो टेस्ट है इन्वेंट्री है सभी का, ऑल पर अप्लाई होगा। डिफिकल्टी वैल्यू स्केल पर नहीं अप्लाई होगी क्योंकि उसकी आइटम जो है ये देखिए एक 5-point स्केल जैसे पीछे बात करके आए हैं, आगे आएगा लिकर्ट स्केल तो ऐसे रहेगी, तो ये स्कोरिंग नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्कोरिंग होती है। तो यहाँ पर 0-1 नहीं है, 0 का मतलब उसकी नॉलेज नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं होती। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पसंद करता हूँ, मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, 22 में आई, 25 में आई, 30 में आई, तो राइट आंसर 2020 होगा, तो 2020 वाले तो 1 marks मिलेंगे। तो यहाँ अबिलिटी होगी, दैट इज वाई डिफिकल्टी वैल्यू इस टेस्ट में होती है। ये टेस्ट लिख देता हूं यहाँ पर, टेस्ट अबिलिटी के टेस्ट ही होते हैं। ठीक है, तो जो अफेक्टिव डोमेन पर वो स्केल्स इन्वेंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस कैनॉट बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें पता है जब भी कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करना है तो हमें डाटा जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल में चाहिए, ओके, डिस्क्रीट में नहीं। तो अब ये देखना है कि कौन से वेरिएबल। दूसरा है कि जो हाइपोथेसिस है वो ग्लोबल नहीं स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने दो क्राइटेरिया यहां डिस्कस किए हैं, एक तो वेरिएबल कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूस के ऑपोजिट क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं चाहिए, ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? एज हाइट, ये रेशियो वेरिएबल पर है। लेकिन जो साइकोलॉजी और एजुकेशनल वेरिएबल्स हैं जैसे एकेडमिक अचीवमेंट है, अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स है, ये सारे कंटिन्यूस वेरिएबल में समझे जाते हैं। हालांकि इसके बारे में थोड़ा विवाद है लेकिन यहां इनको कंटिन्यूस वेरिएबल ही समझा जाए।
तो दूसरा है कि हाइपोथेसिस ग्लोबल नहीं होना चाहिए, ये इतना बड़ा सारे ब्रह्मांड का, मतलब सारे ब्रह्मांड का नहीं, मतलब सारे आपने पॉपुलेशन बहुत लार्ज की बात करके उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा लार्ज है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं वो स्पेसिफिक चाहिए, दैट इज वाई हाइपोथेसिस टेस्टेबल चाहिए। अब ये देखते हैं कि इन चार में से कौन सा कंटिन्यूस वेरिएबल पर और ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक है। तो ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट को मेजर किया जा सकता है कंटिन्यूअस वेरिएबल पर, यस आईक्यू टेस्ट है हमारे पास, ये लग सकते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन एज, एज कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। हाँ ये बात भी याद रखनी है कि मिनिमम वन वेरिएबल कंटिन्यूअस चाहिए हमें, क्योंकि जिस दूसरा वेरिएबल जिसको क्लासिफाइंग वेरिएबल कहते हैं, क्लासिफाइंग वेरिएबल, ठीक है, तो क्लासिफाइंग वेरिएबल मीन एज, आप जैसे ये कंटिन्यूअस भी है इसको क्लासिफाइंग डिस्क्रीट बना सकते हो, एज मान लीजिए आपने हाई एज रख ली, एवरेज एज, लोअर एज, वो आप डिफाइन कर सकते हो कि ये जी 5 से 10 इयर्स तक के बच्चे हो गए, 11 से ये हो गए 14 साल के, देन 15 साल के, 16 से 20 साल के, ऐसे डिवीजन हो सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ एनी चाइल्ड, ट्रेनिंग है कि नेचुरली है कि कोई क्वेश्चनेयर बन सकता है कि ये ट्रेनिंग बच्चे को दी गई है, एनवायरमेंट ऐसा दिया गया है जिससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, फॉर एग्जांपल बुक्स को कैसे रीड करना है, समझना कैसे है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, पजल कैसे सॉल्व करनी है, ऐसी कोई ट्रेनिंग, इसको ऐसे समझा जा सकता है। पर यहां पर ट्रेनिंग स्पेसिफिक कम दिखाई दे रही है, इस पर डाउट किया जा सकता है, ठीक। तो अदरवाइज आप एज से इनका कंपैरिजन, जैसे इन बच्चों, इन बच्चों, इन बच्चों का आईक्यू कंपेयर करके इसको टेस्ट कर सकते हो। ये हमने हल्का सा टिक लगा लिया कि ये फेवर में जा रहा है। प्रिजुडाइज्ड पीपल डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट दे डिसलाइक। अब प्रिजुडाइज्ड पीपल, ये भी जो है क्वेश्चनर एक लगाया जा सकता है, जो प्रिजुडाइज पीपल है वो निकलाए और जो नहीं है, है ना, जहाँ हाई प्रिजुडाइज पीपल और लो प्रिजुडाइज पीपल, ये भी हो सकता है, और नेगेटिव एटीट्यूड स्केल लिकर्ट स्केल पर बन सकता है, और ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल पर मेजरेबल है। तो जो एटीट्यूड के न्यूमेरिकल आए, जी 50 स्कोर आया, 60 आया किसी का, ना ये स्कोर मान लो 50 जनों को आया, हाई का कंपेयर कर लिया और लो का कंपेयर कर लिया, ये भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है। एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एकेडमिक एप्टीट्यूड टेस्ट कंटिन्यूअस वेरिएबल पर है, इनका स्कोर आ जाता है ना जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। कंट्रीब्यूटरी फंक्शन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ये भी कंटिन्यूअस वेरिएबल, दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल पर है, इनका मतलब आप कोरिलेशन देख सकते हो, इवन हाई एवरेज लो एप्टीट्यूड का ये रखा आपने, हाई एप्टीट्यूड, एवरेज एप्टीट्यूड, लो एप्टीट्यूड, और इनकी एकेडमिक अचीवमेंट कंपेयर की, इनकी और इनकी, इनकी तीनों की एकेडमिक अचीवमेंट कंपेयर की, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय एडवांस, इसको उड़ा दूं ऊपर वाले को, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। कई जनों को ये नहीं पता होगा कि एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, ये एक टीचिंग का मॉडल है, जैसे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया, ब्रूनर ने, किस अप्रोच पर है, इंडक्टिव अप्रोच पर, है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट सोशल, सॉरी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। ऐसे ही एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक अप्रोच है, मॉडल है ऑफ टीचिंग, तो उसका इफेक्ट देखा जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क दिखाई देता है, फैसिलिटेटर, अगर आप एडवांस ऑर्गेनाइजेशन से टीच करते हो, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप को एडवांस ऑर्गेनाइजेशन से टीच किया, दूसरे को नॉर्मल जो है टीचिंग नॉर्मल से टीच किया जो चल रही है, ट्रीटमेंट वन ट्रीटमेंट टू, ओके, तो उसके बाद आपने इनकी लर्निंग देखी पहले और इनकी लर्निंग बाद में, और इनकी लर्निंग पहले इनकी बाद में, जो बाद में लर्निंग आई है, फॉर एग्जांपल इनकी पहले 40 थी, है ना, इनकी भी 40 थी लर्निंग, तो अब इनकी होगी 60 और इनकी होगी 50, तो आप इसको टी टेस्ट से कंपेयर करोगे,
टी टेस्ट से कंपेयर किया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया। पर एक बात, ये तो हमने देखा कि ये पॉसिबल है, पर वेदर कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इज स्पेसिफिक। आप देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कंसेप्ट मुझे ये लग रहा है कि लर्निंग इज, देखिए इसकी मेरे पास की नहीं है, मैं जो मेरे ब्रेन में आ रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, ये बात बता रहा हूं। तो लर्निंग मेरे हिसाब से वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अब कैसे लर्निंग को करोगे? आप ये कहते लर्निंग इन मैथमेटिक्स कहते, जहां अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, स्कोर इन मैथमेटिक्स, तो ये स्पेसिफिक होना था। तो लर्निंग तो एक कंटिन्यूअस है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, अच्छा टाइप्स है, इंसिडेंशियल है, किस लर्निंग को कैसे मेजर करोगे? तो ये मेजरेबल ही सीधी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लोबल है। यहां लिखा ना था ग्लोबल, दैट इज वाई नॉट, सबसे कम टेस्टेबल मुझे ये दिखाई दे रहा है, उसका कारण लर्निंग बन रहा है। और इधर से ये जो ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट है, इसको ये इसके हिसाब से हम राइट आंसर जो है मैं ये लगा रहा हूं। हाँ, मैं गलत, सोचना कैसे है मैं ये आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है, इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिक डाटा रेफर्स टू, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा सोर्स। दो बातें हैं, ये बातें याद रखनी है कि जब क्रिटिसिज्म इंटरनल और एक्सटर्नल आता है, इसके और क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी बताता हूं आपको। तो ये रहा कि ऑथेंटिसिटी शब्द यूज किया जाएगा, ऑफ व्हाट सोर्स, है ना। सोर्स मान लीजिए, बड़ी सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपको बहुत हिस्टोरिकल रिसर्च चल रही है, तो आपको नेचुरली है कि 100 साल पहले की वो रिसर्च है, 100 साल पहले की एक बुक मिली है, आप वो बुक आपका सोर्स है, तो आप देखोगे कि यार वो ओरिजिनल है, उसी टाइम पीरियड की है, उसका जो पेज है उसकी एज देखोगे, लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाती है, उसकी स्याही जो है उसको टेस्ट करोगे, आप देखते हो कि वो ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, तो ये होगी आपकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। यहां इंटरनल पूछा गया है, तो ये जो है आप देख रहे हो बुक के एक्सटर्नल एस्पेक्ट देख रहे हो। इतनी बुक ही याद रखो, सारी हिस्टोरिकल याद रहेगी, और सोर्स है। और अब बुक बुक में चले गए, अब बुक में क्या होगा? कंटेंट है ना, कंटेंट बुक के कहां है? इनर साइड में, इनर, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। कंटेंट कहां है? बुक के अंदर है ना, एक्चुअल आइडियाज तो उसमें है ना, एक्चुअली थीम तो उसमें है, कंसेप्ट उसमें है, नॉलेज उसमें है, वो नॉलेज इंटरनल है। तो अब देखेंगे कि उस कंटेंट की वैलिडिटी, इतनी जब कंटेंट की बात आ रही है तो इंटरनल होगी है ना, इंटरनल वैलिडिटी होगी। तो राइट आंसर साफ दिखाई दे रहा है कि जब कंटेंट की बात हो रही है तो इंटरनल आ गई, वैलिडिटी तो हम देखी, बेशक आप अटेंडी बस कीजिए। आपने देखना है जब सोर्स की बात है, सोर्स एक्सटर्नल है, कि उसका पेज देखना है, बाहर है, और पेज के अंदर जो आइडिया लिखा है वो अंदर है। तो जब भी कंटेंट आया, आप इंटरनल पर टिक कर सकते हो। यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, है ना, डाटा में एक आ गया रिसोर्स, दूसरा आ गया कंटेंट, और इंटरनल का राइट आंसर क्या बन गया? बी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ कंटेंट। सेंट्रल आइडिया ये जो मैं आपको टीच करना चाहता था। तो ये ऑप्शन ए और बी नेचुरली गलत हो गई। और क्या बन सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आप, हिस्टोग्राफी, हिस्टोरिकल डाटा, क्रिटिसिज्म, दो तरह का होता है, एक्सटर्नल, ये भी पूछा जा सकता है, लोअर कौन सा है, क्योंकि बाहर की चीज है। आप बैंक में जाते हो तो प्राइवेट बैंक में जाते हो, वहां आपको अपीयरेंस पर जोर दिया जाता है, ठीक है, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में जाओगे कि टीचर की अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। आप शायद मेरे भी देखते होंगे कि आप यार इस बंदे की अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं है, ये बहुत पुरानी शर्ट डाल रखी है। आप एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में फंसे हुए हो, जब आप देखोगे यार ये बंदा टीच कैसे करता है, इसके आइडिया कैसे, इसकी नॉलेज कैसी है, इसके पास कुछ है जो लिया जा सकता है, आप मेरी शर्ट से लोगे या मेरे आइडिया से लोगे? नेचुरली जब आइडिया से लोगे, जिसको पता है यार इसकी पर्सनैलिटी दिखने में अच्छा सोना नहीं है, तो अच्छा बन के नहीं रहता। आप एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है, लोअर क्रिटिसिज्म है, जिंदगी हमारी क्यों वेस्ट जा रही है, लोअर क्रिटिसिज्म में फंस गए। लड़की पसंद करनी थी, आपने देखा दिखने में अच्छी है, दिखने में अच्छी है तो लोअर क्रिटिसिज्म में फंस गए। एक दिखने में अच्छी नहीं थी, एक अमिताभ बच्चन की बड़ी प्यारी फिल्म है, मुझे
मुझे याद नहीं, वो गुड़ बनाता है, बहुत पुरानी फिल्म है। तो लोअर क्रिटिसिज्म है, जिंदगी क्या है, इंटरनल क्रिटिसिज्म के आप हायर थिंकिंग वाला, अच्छी पर्सनालिटी वाला, जो अच्छे आइडियाज वाला, वो उस पर्सन को जब सिलेक्ट करते हो तो इंटरनल क्रिटिसिज्म है। आपके रिश्ते भी, जिंदगी भी, और हिस्टोरिकल रिसर्च भी, हायर क्रिटिसिज्म देखना, अपने कॉन्टेंट देखना कि अंदर यार उसके क्या पड़ा है। तो वर्ड ये जो यूज किए जाते हैं लोअर क्रिटिसिज्म में, जहां एक्सटर्नल में टेस्टिंग ऑथेंटिसिटी जेन्युइननेस ऑफ डाटा सोर्सेज, है ना, ओरिजिनल है कि नहीं है, ये वर्ड टेक्निकली यूज किए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस और ओरिजिनल शब्द आपको हेल्प करने के लिए। तो इधर रिलायबिलिटी ऑफ कंटेंट, वैलिडिटी ऑफ कंटेंट, वर्थ ऑफ, कितनी वैल्यू है मेरी हिस्टोरिकल रिसर्च में, इस बुक के आइडियाज की कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एक्सियल कोडिंग। अब एक्सियल कोडिंग वर्ड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में यूज किया जाता है, ठीक, ये और आंसर भी हो सकता है आपका। ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये आपके बड़े क्वेश्चन के सोल्यूशन है, लेकिन यहां पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आपको ग्राउंडेड थ्योरी समझनी पड़ेगी। ब्रीफ में समझा देता हूं, ग्राउंडेड थ्योरी के जो माता पिता हैं वो स्टार्स और ये ग्लेजर, ठीक है। वैसे शुरू इन्होंने की थी, इन्होंने 6 महीने बाद इनको दूसरी यूनिवर्सिटी से बुलाया था और इनके मदर फादर की डेथ हो चुकी थी, दैट इज व्हाई ये डेथ DEATH डेथ केसेस में इंटरेस्टेड थी। तो इन्होंने हॉस्पिटल को चूज किया जो पर्सन मर रहे हैं, सीधा उनसे क्या डाटा कलेक्शन शुरू कर दिया। डाटा कलेक्शन क्या शुरू किया कि वो जब क्या उनको पता है कि वो मर रहे हैं, क्या नहीं पता है, उनके रिश्तेदारों पर क्या असर हो रहा है और डॉक्टर पर क्या असर हो रहा है, उन पर क्या असर हो रहा है, कितनी लेवल ऑफ अवेयरनेस है, उसका असर क्या हो रहा है, इस पर डिफरेंट वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। अब ये डाटा उन्होंने डेथ के रिगार्डिंग प्रीवियस लिटरेचर स्टडी नहीं किया कि पिछली थ्योरीज क्या कहती हैं, थ्योरीज क्या कहती हैं। जब थ्योरीज आप देखते हो तो आप रैशनल अप्रोच अपना रहे हो, रैशनल अप्रोच, ओके। तो जब आप सीधा हॉस्पिटल में गए, जो डेथ मर रहे हैं लोग, जिनको कैंसर है, जो कोई डिजीज है, मर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट बात की है, आपने स्टाफ से बात की है, नर्सिस से बात की है, रेगुलर बात कर रहे हो, आप डाटा सीधा कलेक्ट कर रहे हो और जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा है साथ में उसको साथ साथ में एनालाइज करना है। ये इस रिसर्च की सबसे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि डाटा को साथ साथ में एनालाइज करना है, जिसको बोलते हैं कनकरंट डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। दैट इज व्हाई इसको साइक्लिकल प्रोसेस कहते हैं, लीनियर प्रोसेस नहीं है जो ट्रेडिशनल में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में थी। तो अब ये इन्होंने सीधा डाटा कलेक्ट किया है, डाटा सीधा कलेक्ट किया है, डाटा नेचुरली है कि सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, तो डाटा से ही सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है थ्योरी बनाई जा रही है, पिछली थ्योरी से नहीं कोई लेना देना, सिर्फ डाटा से थ्योरी बनाई जा रही है। दैट इज व्हाई ये एम्पिरिकल होगी, ठीक है, एम्पिरिकल होगी। अब ये प्रॉब्लम है कि सारा डाटा जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्वालिटेटिव है, ठीक, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट हो गया तो उसको एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करने के लिए 3 लेवल है, इनिशियल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। तो यहां आपको ये पूछा गया है कि एक्सियल कोडिंग क्या होती है, तो आपको ये भी पूछा जा ऑप्शन आ सकते थे ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग, सिलेक्टिव कोडिंग। तो स्टार्स, कॉर्बिन और क्लार्क की जो अप्रोच है ग्राउंडेड थ्योरी की, 3 फॉर्म्स है, ये बाद में करवाऊंगा। तो 3 फॉर्म्स में से ये सिर्फ यहां से ये वर्ड उठाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने डाटा पेशेंट से और नर्सिस से, डॉक्टर से, रिलेटिव रिश्तेदारों से कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आप उनको सारे डाटे को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, लाइन टू लाइन पढ़ के आप देख रहे हो कि सेंट्रल आइडियाज क्या है इसमें, वो सेंट्रल आइडिया कैसे देखोगे आप कीवर्ड्स या फ्रेजेस आइडेंटिफाई करोगे। ये कीवर्ड्स सारी टेक्स्ट में से, जो इंटरव्यू ली है आपने, लिख ली थी, उसमें से आपने कीवर्ड्स ढूंढे हैं, इसको बोलते हैं ओपन कोडिंग। जब आप ये कीवर्ड्स देख रहे हो तो आप पिछले लिटरेचर थ्योरी से आपका कोई लेना देना नहीं है,
तो आप सिर्फ ये ढूंढ रहे हो कितने कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इररेलेवेंट आपने छोड़ दिए। अब ये कीवर्ड्स को नेक्स्ट, जब मान लीजिए आपके पास 20 कीवर्ड्स हो गए, तो अब आप उन कीवर्ड्स में से देखोगे सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, नेक्स्ट स्टेप हो गया ये। तो सिमिलैरिटी जब देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, जब सिमिलैरिटी देख रहे हो जिस वर्ड्स को, उनको आपने एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप वन जी वन बना दिया, ठीक है। और जो डिफरेंस थे उनके उनके और विद इन पांच शब्द ऐसे थे कि वो आपस में मैच करते हैं, ग्रुप वन में रख दिए, और 10 शब्द ऐसे हैं जो इनसे मैच नहीं करते लेकिन आपस में मैच करते हैं, उनको ग्रुप टू में रख दिया। ऐसे आपने क्लासिफिकेशन कर ली, कैटेगरीज बना दी, उन कैटेगरीज को बोलते हैं जब कंसेप्ट या कैटेगरी। तो वो जब ये काम आप करते हो, इसको बोलते हैं एक्सियल कोडिंग। इन ऑन द बेस आपकी क्या किया एक्सियल कोडिंग में है क्या, सेंट्रल आइडिया क्या है कि कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड से, ये मेथड सिर्फ ग्राउंडर थ्योरी में है जो कि ग्लेजर और स्टास इसके माता पिता हैं, और जो आपने कीवर्ड जो ओपन कोडिंग में आइडेंटिफाई किए थे उनको कांस्टेंट कंपैरिजन से कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखे, और उनमें से जिनकी सिमिलैरिटी थी ग्रुप एक बना दिया, ग्रुप दो बना दिया, ग्रुप तीन बना दिया, और वो जो ग्रुप बने वो क्या है, कंसेप्ट्स या कैटेगरीज। इट मीन्स कीवर्ड से कंसेप्ट या कैटेगरी तक को क्रिएट करने की प्रोसेस है, क्रिएट करने की प्रोसेस जो है उसको एक्सियल कोडिंग बोलते हैं। उसके बाद जब ये कॉन्सेप्ट्स और ये जो कैटेगरीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना, जहां कंसेप्ट कह लो जहां कैटेगरीज कह लो, तो उसको सेलेक्ट करते हो इन सारे ग्रुप्स में से। सिलेक्टिव कोडिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिलेक्ट करते हो एक कैटेगरी को जिसके इर्द गिर्द सारे वो पेशेंट के विचार, वो जो डाटा कलेक्ट किया था इंटरव्यू से रिलेटिव्स के, डॉक्टर के, नर्सिस के विचार जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना। तो वो जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, फिर आप एक डायग्राम बनाते हो, जहां टेबल बनाते हो, फिगर बनाते हो, और इसकी स्टोरी लिखते हो कि ऐसे पेशेंट होता है, उनकी ये कैटेगरीज हैं, और ऐसे होगा तो वैसे होगा, ऐसे होगा तो वैसे होगा। ये बन गई थ्योरी, इसको बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। तो ये प्योरली कितने वर्ड मैंने यूज किए, लिटरेचर का इसमें रोल लगभग नहीं है, शुरू में नहीं है, बाद में है, और इसकी तीन स्टेजेस हैं डाटा एनालिसिस की, ओपन, एक्सेल एंड सिलेक्टिव। लेकिन याद रहे ये इवॉल्व्ड फॉर्म जो है ग्राउंडेड थ्योरी की, उसकी बात कर रहा हूं, ट्रेडिशनल और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात यहां नहीं की। तो ये पहले में क्या होता है कि कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने, फिर जो है कैटेगरीज बनानी जाए, कंसेप्ट्स बनाने, उसके बाद सिलेक्ट करना सेंट्रल आइडिया और उसकी थ्योरी जनरेट कर लेनी, ठीक। इसमें बाकी जो वर्ड है आप वीडियो को दोबारा देख के कर सकते हो, लेकिन इसमें से अगर आपको क्वेश्चन आता है, कम से कम आप मेरे ख्याल 20-25 क्वेश्चन इसमें से आराम से बन रहे हैं। और क्वालिटेटिव मेथड का क्वांटिटेटिव मेथड से कोई कंपैरिजन का क्वेश्चन आए तो आप इस एग्जांपल को याद करके प्रोसीड कर सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया क्या, एक्सेल कोडिंग जो ग्राउंडर थ्योरी में थी क्वालिटेटिव की। तो इन्होंने पूछा था नॉट रिलेटेड, है ना, इट मींस ये तो बहुत ज्यादा सीधी रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट है रिच थिक डिस्क्रिप्शन। तो जब कॉन्टेक्स्ट इसकी बात आएगी क्वालिटेटिव मेथड में, जब कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो जिसकी इंटरव्यू ली थी, आप लिखते हो कि ये पेशेंट की हालत क्या थी, कितने दिनों से यहां था, और इसकी बैकग्राउंड लिखते हो, और हॉस्पिटल कैसे, सारा कुछ डिटेल में लिखते हो ना, तो उसको क्या डिजीज थी, तो ये आप कॉन्टेक्स्ट डिटेल में बता रहे हो। जब डिटेल में उस, जब आप बात क्या करनी है, आप बात आपने उसकी इंटरव्यू भी करनी है, तो उसके इंटरव्यू में ये विचार आए थे, ठीक है, उसका सेंट्रल आइडिया ये था, जहां उसके कीवर्ड ये थे, कंसेप्ट ये आइडेंटिफाई हुए, और उसके रिलेशनशिप ये मिले हैं, तो आप साथ में रिच थिक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो कि इन डेप्थ कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो विचार आए हैं, सिचुएशन में, सिचुएशन को डीपली एनालाइज करके, सॉरी लिखना है, राइट डाउन करना है, उसको बोलते हैं रिच थिक डिस्क्रिप्शन। अगर थिन आ जाता है थिन, तो उसमें ये कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन को डिटेल में बताया ही नहीं जाता,
है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा ही होता है, कॉन्टेक्स्ट की बात ही नहीं होती। अगर कॉन्टेक्स्ट कहीं भी शब्द आता है तो क्वालिटेटिव में जाना है आपने, क्वालिटेटिव रिसर्च का ये फंडामेंटल फीचर है। अच्छा, राइटिंग, जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया था, ग्राउंडेड थ्योरी की अभी एग्जाम्पल देके आया हूँ, डाटा कलेक्ट कर लिया था है ना, डाटा एनालाइज भी कर लिया था, ठीक है, कि ये कैटेगरीज फाइंड आउट हुई हैं, ये रिलेशनशिप हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये बात हो गई। तो आप अपनी, आपने क्या लर्न किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी एक समरी बनाते हो, समरी 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 ऑफ योर लर्निंग, रिसर्चर्स लर्निंग, ठीक है। ये मैं अपनी डेफिनेशन आता, ये सेंट्रल आइडिया है, और क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व देखा सिर्फ नहीं, उसमें आपकी लर्निंग शामिल है, मेन सेंट्रल आइडिया है, जो आपने लर्न किया है उसकी आप एक स्टोरी जहां ब्रीफ में लिखते हो, कोई इसमें ग्रामर नहीं देखनी, बस आइडिया जो आपने सीखा था। नेचुरली जब आप पेशेंट को अटेंड करते हो, इंटरव्यू करते हो, सिचुएशन में जाते हो, कॉन्टेक्ट लिखते हो, तो बहुत कुछ लर्न करते हो, सब कुछ जब आप वो लिखते हो इन रिलेशन टू जो थ्योरी आपने बनानी थी, सेंट्रल आइडिया था जिसकी तरफ आपने जाना है ना, जिसको रिसर्च क्वेश्चन भी बोल देते हैं। लेकिन ये विवाद है कि रिसर्च क्वेश्चन शुरू में होता है क्वालिटेटिव या ग्राउंडेड थ्योरी में या नहीं, है ना, ये विवाद है। कुछ कहते हैं होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता, लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ही शुरू हो जाती है ग्राउंडेड थ्योरी मोस्टली, जो इनके माता पिता हैं स्ट्रॉस एंड ग्लेजर वो ये कहते हैं। अच्छा, तो ये जो लिख रहे हैं समरी ऑफ लर्निंग, इनको बोलते हैं मीमोज, मीमोज, तो ये भी उसका पार्ट आ गया। अब ये तो उसके पार्ट आ गए, हमने तीन कंसेप्ट लर्न कर लिए, नेचुरली मेटा एनालिसिस बचता है। मेटा एनालिसिस क्या होता है ये समझ गए। मान लीजिए मेरी रिसर्च सच में जो है मेडिटेशन पर है ना, मेडिटेशन पर मैंने 124 के करीब जो है पिछली पीएचडी वर्ल्ड वाइड ढूंढी थी, है ना, मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ है यूनिवर्सिटी न्यूज में इसका। तो मैंने ये 124 में से मोस्ट रेलेवेंट मान लो 20-25-30 स्टडीज निकाल ली, और उनकी फाइंडिंग्स सारी मेडिटेशन पर है, और इनकी फाइंडिंग्स जो हैं वो देख ली, जो भी इनके मीन मीडियन मोड ये वो सब कुछ दिया गया है, उन 30 का क्लब्ड मैं एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उस एनालिसिस को बोलते हैं मेटा एनालिसिस। सेम टॉपिक पर, थीम पर, एरिया पर लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज इकट्ठी करके उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने को कहते हैं मेटा एनालिसिस। आगे चलते हैं, हमारा राइट आंसर क्या हुआ कि नॉट रिलेटेड, मेटा एनालिसिस, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल है, बाकी स्टैटिस्टिकल नहीं है। यहां भी शब्द स्टैटिस्टिकल आएगा, वहां नंबर आ गया, नंबर मीन क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, और जहां नंबर नहीं है वो द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको ये कहा जाए कि कोरिलेशनल रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है ना, तो क्योंकि कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल पर डाटा चाहिए, तो आप नेचुरली है यहां क्वेश्चन, लेकिन और है ये अलग बात बता रहा हूं। क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में कोरिलेशन रिसर्च में आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल पर डाटा चाहिए। तो जो कोरिलेशन वैल्यू आती है उसकी रेंज क्या होती है, क्या +1 से -1 तक और मिड में 0, यस ये होती है, ठीक। ये नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। इट मींस आपका वेरिएबल वन, ये लिखा मैंने वेरिएबल वन क्या है, मतलब मान लीजिए आपने हीट है ना, और टेम्परेचर या गर्मी आपने रख लिया, दूसरी तरफ आपने रख लिया आइस, नहीं ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हीट की जगह आप टेम्परेचर भी रख सकते हो ना, टेम्परेचर जो है 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 40 है, ये एक तरफ वेरिएबल ये ले लिया, और दूसरी तरफ वेरिएबल ले लिया हमने आइस क्रीम, ठीक है, तीसरा वेरिएबल क्या ले लिया हमने, वूलन क्लॉथ, गर्म कपड़े। तो वेरिएबल वन ये भी इसकी गिनती ले ली, कितने कंज्यूम हो रहे हैं मान लीजिए एक मार्केट या एक एरिया में, उसका डाटा आपके पास आ गया, और हीट जैसे जैसे इंक्रीज होती है जिस महीने में, अब कोरिलेशन अगर आपने देखना है वेरिएबल वन का वेरिएबल टू से और वेरिएबल वन का वेरिएबल थ्री से, है ना, तो आप देखोगे कि हीट जैसे जैसे बढ़ती है वूलन क्लोथ की
कंजम्पशन और जो है प्रोडक्शन भी नेचुरली उससे रिलेटेड है वो कम होगी। जैसे जैसे हीट बढ़ रही है वूलन क्लोथ की कंजम्पशन कम हो रही है, ये क्या हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है तो ये अच्छा डिग्री की बात बात करता हूं। दूसरा आप देखने लगे हैं हम हीट और आइसक्रीम का, जैसे जैसे हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है आइसक्रीम की, जैसे जैसे ये रहा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, और वैसे वैसे आइसक्रीम की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। एक वेरिएबल का स्कोर बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपको ये आ जाए कि एक वेरिएबल का कम हो रहा है स्कोर तो दूसरे का भी कम हो रहा है तो भी वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये बात याद रखनी है। जब दोनों वेरिएबल का स्कोर एक तरफ जा रहा है इकट्ठे तो पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दोनों का डाउन आ रहा है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन, जब एक का अप जा रहा है दूसरे का डाउन आ रहा है। ये देखिए ये हो गया, इतना करना है आपने नेगेटिव, और ये अगर ऐसे है पॉजिटिव। ठीक तो ये हो गया कि रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन क्या है। तो क्या ये एक जो है ये परफेक्ट कोरिलेशन है? परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन रियलिटी में नहीं मिलता। प्लस वन ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, आइडली ये कंसेप्ट में होता है। इट मींस आपका जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट वन से लेके इसमें कोई भी पॉइंट 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 व्हाटएवर इज, है ना, जीरो से होके यहां तक नेगेटिव में जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ये है, ये जो है माइनस वन से जीरो नहीं है, बी जीरो से वन नहीं है, नहीं वन और वन दोनों तरफ हो गए, राइट आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस डिमांड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च पर पूरी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा काम किया पड़ा है अभी तक बनाई नहीं है। अच्छा तो आप डेवलपिंग ए थ्योरी, जब आपने थ्योरी डेवलप करनी है याद रखना, एक तो आपके सामने आएगी बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च जिसको आप फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं और प्योर रिसर्च भी बोल देते हो, तीन नाम है क्योंकि अलग अलग यूज हो सकते हैं। तो ये फंडामेंटल रिसर्च की एग्जांपल आपके पास है क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की, है ना, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये फंडामेंटल रिसर्च है। ये क्यों फंडामेंटल है? क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन के बेस पर, जनरलाइजेबिलिटी के बेस पर तीन तरह की रिसर्च होती है। एक तो ये हो गई बेसिक, है ना, जिसकी ये सारे ब्रह्मांड में किसी पर भी, आप एक पिजन पर, कबूतर पर किया था, एक डॉग पर किया था ना एक्सपेरिमेंट, इतनी रिसर्च की, फाइंडिंग की, वेरीफाई किया कि आप किसी भी एनिमल पर वो अप्लाई हो सकता है, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी। दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का एरिया सीमित होता है, एप्लीकेबिलिटी बहुत सीमित होती है। मिट गया ये रहा, इसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है, इसकी पार्शियल है। अब तीसरी आ गई एक्शन रिसर्च, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वो जहां आपका क्लासरूम है, स्कूल है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, जिस क्लास में प्रॉब्लम है उसी क्लास में वही सोल्यूशन ढूंढा गया और वही अप्लाई किया गया। तो दैट इज वाई एप्लीकेशन के बेस पर नैरोएस्ट जो है वो एक्शन रिसर्च है। यहां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डिमांड एक्शन रिसर्च, जो नैरो वाला होगा। डेवेल्प थ्योरी करने वाला तो बेसिक फंडामेंटल रिसर्च आ गई ना, दूसरी अगर थ्योरी आपने डेवेल्प करनी है, पीछे बात करके आए हैं, वो ग्राउंडेड थ्योरी है, वो डायरेक्ट डाटे से है, वो बड़ा लंबा चौड़ा ओरिजिनल काम होता है, मोस्ट इंपीरिकल रिसर्च वो है। अगर आ जाए आपको क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा इंपीरिकल क्या कौन सा है, पूछा नहीं जाएगा अभी तक, क्वेश्चन नहीं बनाया किसी ने शायद तो वो ग्राउंडेड थ्योरी आएगी। तो ये नहीं है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जाम्पल थ्योरी की होगी, ये क्वालिटेटिव की होगी, है ना। तो राइटिंग ए थीसिस रेलिवेंट ही नहीं है, क्वेश्चन से रेलिवेंट ही नहीं है। टेस्टिंग ए थ्योरी, ये थ्योरी जो है क्वांटिटेटिव ट्रेडिशनल मेथड भी जिसको बोलते हैं, जब क्वालिटेटिव वाले गेजर वगैरह जो थिंकर हैं वो कहते हैं इसको ट्रेडिशनल थ्योरी। टेस्टिंग ए थ्योरी वो क्या है कि आप लिटरेचर स्टडी करते हो, लिटरेचर में कोई थ्योरी है मिली है, अच्छा थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी जो क्या है वो आपका हाइपोथेसिस है। देखना ये बात बहुत आपको डिस्टर्ब करती है,
कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा, कभी थ्योरी टेस्टिंग होगा, कभी लिटरेचर, है ना। तो लिटरेचर एक थ्योरी बताता है और उसी में से हाइपोथेसिस बनता है। हाइपोथेसिस क्या है? फॉर एग्जांपल मेरी पीएचडी में क्या था कि देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन मान लीजिए एंग्जाइटी था मेरा, चलो इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो थ्योरी अगर कह रही है मैंने मान लीजिए स्ट्रेस लिया है, तो लिटरेचर कह रहा है यार मेडिटेशन से स्ट्रेस कम हो रही है, ये वेरिएबल, तो मैं हाइपोथेसिस ये बनाऊंगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस, है ना। तो इसको फिर मैं डाटा थोड़ा सा कलेक्ट करूंगा और टेस्ट कर लूंगा। इसको बोलते हैं टेस्टिंग ए थ्योरी, टेस्टिंग ए थ्योरी कि वो है, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में टेस्ट नहीं करते थ्योरी को, क्वालिटेटिव है, उसमें थ्योरी नहीं बनाते हैं। पिछली लिटरेचर से तो कोई लेना देना ही नहीं, पिछली थ्योरी से कोई लेना देना ही नहीं, हाइपोथेसिस तो बनाने ही नहीं शुरू में, टेस्ट हाइपोथेसिस करने ही नहीं है। तीन क्वेश्चन बन गए आपके, छह क्वेश्चन इवन बन गए यहां से कि ग्राउंडेड थ्योरी में ना लिटरेचर को इंपॉर्टेंस है, बाद में है, उस पर डिफरेंट वीडियो क्वेश्चन हो गए, क्रिटिकल क्वेश्चन, लिटरेचर का रियली मीनिंग है, लेकिन लिटरेचर से थ्योरी नहीं पिछली पढ़ी जाती है और ना ही वो पढ़ी गई थ्योरी से हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और ना ही उनको टेस्ट किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी में। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो मेरी रिसर्च थी पीएचडी की, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन मान लीजिए स्ट्रेस एंग्जाइटी थी मेरी वजह से, तो वो मैंने थ्योरी टेस्ट की हुई है। तो ये क्वांटिटेटिव है प्योरली, ये एक्शन रिसर्च का काम नहीं है। एक्शन रिसर्च का काम है कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना। देखिए क्लासरूम है नैरोएस्ट, तो ये मेडिटेशन का इफेक्ट है, मैंने बीएड के कॉलेज पर की थी, है ना। तो नेचुरली है कि अगर ये रिड्यूस करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करती है, तो मैं बीएड के कॉलेजेस के बीएड के बच्चों पर उसको अप्लाई कर सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ कि बाकी जो है बच्चे बीएड के उनको ये मेडिटेशन कराएगी तो ये स्ट्रेस रिड्यूस होगी और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी। तो इसकी एप्लीकेशन होगी, तो इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। क्लासरूम है, क्लासरूम में प्रॉब्लम थी, क्लासरूम से डाटा कलेक्ट किया, क्लासरूम का डाटा एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद सोल्यूशन, और सोल्यूशन कहां अप्लाई किया, वही क्लासरूम में। ये थोड़ी बाहर है, फंडामेंटल पूरी बाहर चलेगी। आगे चलते हैं, मीडियन इज ऑल्सो नोन एज, वेरी इजी, यहां पर मैंने निकाल के रखे हैं परसेंटाइल। जब सेंट आता है ना, सेंट CENT, सेंट मीन 100, परसेंटाइल को वैसे आप देख लेना चाहिए, वैसे सीधा चलो यहां पर देखते हैं 15 मीडियन जो है, आप मीडियन की कैसे करते हो, ये आपने डाटा ऑर्गेनाइज कर लिया, मान लिए 20 है, 21 है, 23 है, ये है ना, ये 100 तक का आपका डाटा आया है, ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, और जो मिड पॉइंट है वो आपका मीडियन होगा। तो इसको परसेंटाइल से कंपेयर इस क्वेश्चन में किया गया है, उसके आंसर अभी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है एक बार देख लें कि फिफ्थ परसेंटेज ऑफ पॉइंट, नहीं, 15th परसेंटाइल, यस, सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डेसाइल। अच्छी तरह से देख लीजिए, सबसे पहले है कि यहां पर डेसाइल के परसेंट को जो आपकी डिवीजन है स्कोर की, एक्चुअल में यहां नहीं दिखा पाऊंगा आपको, बाद में परसेंटाइल समझाऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि आपके रा स्कोर को 100 सेंटाइल में कन्वर्ट कर लिया, तो जो आपका एक परसेंटाइल का मतलब पहले समझ लीजिए। 10th परसेंटाइल मान लीजिए किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए हैं, तो उसका 10th परसेंटाइल बन रहा है, इट मींस के 90% बच्चे उससे ऊपर है। मान लीजिए आपका 80 परसेंटाइल रैंक आया है और आपके स्कोर हैं 95, ठीक है, ये रा स्कोर है और ये परसेंटाइल रैंक निकला है, तो ये 80 परसेंटाइल रैंक है, तो इट मींस 20% बच्चे जो हैं आपसे ऊंचे ऊपर के हैं और 80% 79% बच्चे आपसे पीछे रह गए हैं, इसका ये मतलब बनता है। अब मीडियन जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू कहां आ रही है, यहां डेसाइल क्या है, 10 10 की डिवीजन की हुई है, 100 की 10 10 की डिवीजन की हुई है। अब डेसाइल क्या हो गया, 5 फिफ्थ आ गया और 15th ये मीडियन है, मीडियन स्पेलिंग चलो देख लेना।
दूसरी तरफ क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है ए आपको 1/4 में डिवाइड कर देना है, इसी को 1/4 में डिवाइड करो तो यहां आएगा, यहां बड़ा करके लिख देता हूं यहां पर 25 है ना, और ये आ गया यहां पर 50 और यहां पर 75। अब ये क्वार्टाइल है डिवीजन, उसको समझने के लिए ये कर्व देखनी होगी, बेटर है। तो ये 25% यहां लिखा है, इतना एरिया आ गया 25% इधर डिवाइड किया हुआ है क्वार्टाइल, ये कैलकुलेशन से होता है, और ये डिवाइड हो गया इधर का इधर, और हमारे पास एक मिड भी है, ये मिड। अब हमारे पास कितने बन गए एरियाज, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, ये कितने में डिवाइड हुए हुए हैं, 25% 25% 25% 25%, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल, पौवारी बोलते हैं पाया, फोर्थ जो शराबी पीते हैं क्वार्टर ले आओ। तो अब क्या है, इसका मिड पॉइंट कहां आएगा, 25 25, ये आ गया 50, परसेंटाइल हो गया ना, और क्वार्टाइल कितना बनेगा, ये फर्स्ट क्वार्टाइल 1 25% अगले वाले 25% कर दिए, यहां 50% बनता है, ये बन गया क्वार्टाइल 2, ये लिखा है क्वार्टाइल 2। अगर यहां पर ये भी ऐड कर दिए 75 बन गए, 25 मिल गए, तो ये बन गया क्वार्टाइल 3। तो वहां ऑप्शन क्या है कि मीडियन कहां है, मीडियन यहां पर है, यहां पर ही 15% है, यहां पर क्वार्टाइल देखना है तो 25 जमा 25 50 हो गए, वो Q2 आ गया क्वार्टाइल सेकंड, और डेसाइल कौन सा है, 5th। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, इसमें यहां से टिक कर दें, फर्स्ट है परसेंटाइल, ठीक, दूसरा सेकंड क्वार्टाइल, 5th डेसाइल, वो इमेज जो पहले दिखाई है वो याद रखनी पड़ेगी। इफ ए टेस्ट मेजर मास्टरी लेवल अचीवमेंट इन ए सब्जेक्ट, इट इज नोन एज क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को इजीली। मान लीजिए क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं आपके, हैं यहां पर लिख लेते हैं 50 बच्चे हैं मान लीजिए, है ना, इंडियन क्लासरूम में इतने तो आराम से होते ही है ना, अच्छे स्कूलों में 50 बच्चे हैं, और स्कूल ने सेट किया हुआ है या बोर्ड ने कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कितनी एग्जाम्पल लिया, 33% कि पास कौन है जी, क्राइटेरिया ऑफ पासिंग, पास क्या है ये, है ना, तो फर्स्ट डिवीजन कौन सी है, ये सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, ये डिवीजन की हुई है, तो मैंने ये पास परसेंट, ये इसलिए 66% रखी थी कि जो इंग्लिश लोग थे, जिन्होंने जो इंग्लिश सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को यहां लेके आए थे, उन्होंने 66% क्राइटेरिया जो रखा था पास होने का। जब वो सिस्टम इंग्लैंड से इधर आना था तो ये डिसीजन हुआ कि इनका पास होने का क्राइटेरिया, कहते इन ये ना जो भारतीय लोग हैं, ये इनके दिमाग इंग्लिश लोगों से आधा ही है, तो इनका क्राइटेरिया भी आधा ही रखा जाए तो उन्होंने 33% कर दिया। कमाल का इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, आज भी इंग्लिश लोगों का क्राइटेरिया 33% रखा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई लेकिन हम उसे 60 या 66% नहीं कर सके, इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा अगर आप क्राइटेरिया चेंज कर दो, तो ये बात नहीं यहां करेंगे। क्राइटेरिया जिसको गोल या स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो ये एक बच्चा है, ये 50 की क्लास है, इसमें से एक बच्चा है मान लीजिए ईशान, है ना, ईशान तारे जमीन पर, तो ईशान की परफॉर्मेंस क्या है, ये 8 में, ये 8 में रखी है कि जी पास कितने वाला है, पास इतने वाला है, और जो एक्सीलेंट बच्चा है जहां जिसको डिवीजन की हुई है, तो ईशान पास है, यस। अगर ये देखा जाए कि ईशान पास है, ईशान फर्स्ट डिवीजन में है, ईशान सेकंड डिवीजन में है, ईशान जो है मतलब कौन सा क्राइटेरिया उसने अचीव कर लिया है एक्सीलेंस का, तो ये है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेचुरली मास्टरी इसमें पता चल रही है ना, मास्टरी इसमें पता चल रही है कि उसने अगर 100 क्वेश्चन दिए गए थे उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मान लीजिए
कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये क्राइटेरियन टेस्ट होगा। दूसरी तरफ वही परफॉर्मेंस जब कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किससे, दूसरे सारे ग्रुप से कंपेयर किया जाता है, जब ये देखा है कि ईशांत पास है कि नहीं तो कंपेयर नहीं किसी से किया गया, ठीक। जब ये देखा गया कि ईशान के मार्क्स का रैंक क्या बनता है इन अकॉर्डेंस विद एज कंपेयर टू अदर्स, तो वहां पर परसेंटाइल भी निकाले जा सकते हैं। परसेंटाइल यूजीसी नेट के एग्जाम में परसेंटाइल में रिजल्ट आता है ना, तो आपको है कि आप कितने लोगों को पीछे छोड़ के आए हैं, कितने लोगों को आगे। मान लीजिए 70% उसका 100% ही आ गया, 99% ही आ गया है ना, 99% है, तो इट मीन्स के वो टॉप कर रहा है, उसने सभी लोगों को लगभग पीछे छोड़ दिया है। तो जो ये कंपैरिजन जब होता है एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल्स के ग्रुप से है ना, तो वो रिलेटिव पोजीशन बताते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अच्छा, इसमें वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ईशान ने यहां पर 100 में से 70 क्वेश्चन का जवाब दिया है ना, तो यही अगर यही क्वेश्चन हो कि ईशान में ने, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ईशान ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया एज कंपेयर टू अदर्स, तो ये नॉर्म रेफरेंस बन गया। तभी जब भी आप कंपैरिजन करते हो, इतनी वर्ड याद रखना है, कंपैरिजन विद अदर नॉर्म, और जब सेट क्राइटेरिया से है उसका कंपैरिजन कर रहे तो मास्टरी लर्निंग यहां दिखाई देगी, क्योंकि यहां कंटेंट फोकस है। जितने ज्यादा मार्क्स ले लिए 70% 80% 90% उतने ज्यादा कंटेंट में आपकी मास्टरी हो गई। वापिस चलते हैं, हमारा आंसर देखते हैं कि अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होता है जिसमें आप बच्चे की स्पेसिफिक एरिया में एरर्स, वीकनेस, लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स, अबनॉर्मेलिटीज उसको डायग्नोज आइडेंटिफाई करते हो ना। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट फ्यूचर के लिए है। यहां तक हमारा आंसर क्या हो गया, तो अचीवमेंट टेस्ट मास्टरी किससे जाकर जुड़ी है, नॉर्म से नहीं जुड़ी, क्राइटेरिया से जुड़ी है, कि ये 90% हाँ अब मास्टरी दिखाई दे रही है। तो हमारा जो सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, 10th के मार्क्स आते हैं आपके बीए के, बीए वो यही है, क्राइटेरियन रेफरेंस से चल रहा है। नेक्स्ट है, which of the following gives more accurate measurement of the relationship, अब डिटेल में नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसको लगाएंगे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। जी नेचुरली वो है अपना मैक्सिमम यूज भी होता है, दोनों वेरिएबल वन वेरिएबल टू दोनों इंटरवल स्केल पर चाहिए, इंटरवल स्केल पर, ये भी इंटरवल पर, ये भी इंटरवल पर, ठीक है। बाकी जो है उनमें ये रैंक ऑर्डर पर चला गया, नेचुरली है कि वो डाउन जा रहे हैं। जो चार स्केल होते हैं, डाटा आपका डाटा किस स्केल पर है वो ऑर्डिनल है ना और नॉमिनल, ठीक है। बाकियों में दूसरा वेरिएबल नॉमिनल जहां और किसी में आ रहा है यहां वो डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल यहां हायर स्टेज पर है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में, इसलिए इसको हम चूज करते हैं राइट आंसर के लिए। मेथड ऑफ रिसर्च मे बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस भी, टाइप ऑफ कंट्रोल, सोर्स ऑफ डाटा, यस ऑल ऑफ अबव, राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, हो जाए यार क्या कर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व को ऐसे कर लेना है, पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो कॉपीराइट चोरी दिखाई नहीं दे रही, कॉपीराइट से पता लग रहा है मेरा कॉपीराइट आपने किया, एथिक्स आ रहे हैं ना, हाँ। डाटा शेयरिंग पॉलिसी, यार मेरा डाटा उससे शेयर कर लिया, मेरे से इजाजत नहीं ली आपने, एथिक्स आ गए भी। अच्छा, पेटेंट करवाना कि ये मैंने फाइंड आउट किया है, ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो जाए, तो ये सारे बन रहे हैं। थीसिस फॉर्मेट तो सभी के लिए सेम है ना, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये स्टे होगा, रेफरेंस स्टाइल में होंगे सभी के लिए, जितने भी पीएचडी करने वाले प्रोजेक्ट जमा करवाने हैं उनके लिए सेम होगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर होगा थीसिस फॉर्मेट। अच्छा, डाटा मीन्स क्रिटिकल क्वेश्चन है, जब डाटा की डेफिनेशन देखते हैं ना, मैंने देखी तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है,
तो यहाँ पर फैक्ट सीधे नहीं आएंगे। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में एक, वैसे तो आपको सारा देख लेना चाहिए, डाटा के आगे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के आगे नॉलेज है, नॉलेज के आगे चलो आगे विजडम तक जाना है ये हायरार्की। तो यहाँ डाटा क्या है, स्पेसिफिक पर्सन से आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है बहुत ज्यादा। तो जब उस इन्फॉर्मेशन को मान लीजिए आपने किसी से इंटरव्यू की है, वो भी डाटा है, जैसे फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो ना, जैसे कैटेगराइज करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में बताया था, यहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपने किसी अचीवमेंट स्कोर ही ले लिया है ना, और फिर उसको देखते हैं मेल का स्कोर, फीमेल का स्कोर, क्वांटिटी, अब ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसका कंपेरिजन कर रहे हो, तो ये ऑर्गेनाइज जो है वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जो अनऑर्गेनाइज है वो डाटा होगा। तो जो इसमें एग्जांपल बेस्ट दिखाई दे रही है डाटा की वो मार्क्स ऑब्टेन है किसी भी जो मैथ्स में साइंस में है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रुप इज नोन एज, ये बात लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को एक ग्रुप टेक्निक है, यहाँ पर वो डिटेल में चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक 30 बच्चों की क्लास है, वहां जाके ये पूछा कि हम जो है एक ट्रिप पर जा रहे हैं और ये लिस्ट दी हुई है, आप प्रेफर कीजिए, आप किस किस पर्सन के, 3 बच्चे चुनिए जिसके साथ आप जाना चाहोगे, 1, 2, 3 है ना। तो इट मीन्स हर बच्चा जो फर्स्ट रैंक पर दिया है इसने उसको सबसे ज्यादा उसकी कंपनी लाइक कर रहा है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ऐसे ये निकल आएंगे कि टोटल लाइक्स, डिसलाइक्स और आइसोलेशन। कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसको, जिसने ना किसी को लाइक किया, मैं नहीं जाना चाहता किसी के साथ, और बाकी भी कह रहे हैं हम नहीं इसके साथ जाना चाहते, आइसोलेशन भी हो सकती है। तो एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, ऐसे कई कैलकुलेशन फिर हो सकती हैं कि किस बच्चे को कितना लाइक किया जाता है। तो उस टेक्निक का नाम है सोशियोमेट्री। जब उस ऐसे लाइक डिसलाइक की का ग्राफ बन जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उसको सोशियोग्राम कहते हैं। बाकी ये तो राइट आंसर नहीं है, हमारा राइट आंसर है यहाँ पर सोशियोमेट्री। रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, देखिए एथिक्स साफ दिखाई दे रहे हैं, इनको नहीं चूज करोगे। अब मैंने कहा था कि जब दो ओपोजिट के स्पेलिंग गलत हो जाएं तो माफ कर देना, स्पेलिंग पर मत जाना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कम करना, कर लो मेरा तो कर लो, चलो इंटरनल करना। जब दो ओपोजिट ऑप्शन लिखे हैं तो जवाब उसी में से है, ठीक है। तो राइट आंसर, इस ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि आपकी फीलिंग्स इमोशंस बायसनेस जो है किसी रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करते, रिसर्च रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस जब नहीं करते तो वो ऑब्जेक्टिविटी है, जब ये इन्फ्लुएंस करते हैं बायसनेस से, इसमें बायसनेस आ गई तो वो सब्जेक्टिविटी है, तो यहाँ गड़बड़ है। तो ये रिसर्च एथिक्स एंड एटीट्यूड स्केल विद 5 पॉइंट वेरिंग ऑन स्ट्रॉन्गली एग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री टर्म है, 5 पॉइंट स्केल है, बहुत ही कॉमन, जो बच्चे पीएचडी या मास्टर लेवल का करते हैं उनको पता है, लिकर्ट टाइप ऑफ स्केल है, 5 कैटेगरी होती हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री एक स्टेटमेंट है कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत पसंद करता हूं, स्ट्रॉन्गली एग्री, दूसरा है एग्री, तीसरा है अनडिसाइडेड या न्यूट्रल, चौथा है डिसएग्री है ना, फिर पांचवा है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो आप किस पर टिक करते हैं जी, स्ट्रॉन्गली एग्री, मान लीजिए तो आपको मिल गए 5 मार्क्स, ऐसी क्वांटिफिकेशन होती है, ये लिकर्ट पाइस स्केल की एग्जांपल है। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सिग्निफिकेंट, इट मींस अभी बता के आया हूं, पीछे बात की है, जब भी कोरिलेशन शब्द आए तो कॉज नहीं है, कॉजल रिलेशनशिप नहीं बताता, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये दो आगे ना, ये एक्स वेरिएशन इन वाई, एक्स जो है वहां हीट और आइसक्रीम की एग्जांपल लीजिए, हीट और वुलन क्लॉथ की एग्जांपल लीजिए, तो वाई कॉज वेरिएशन इन, कॉज तो है ही नहीं ना, कॉज तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, कॉजेशन वाली रिसर्च वो है, तो एक्स एंड वाई वेरी टुगेदर है ना, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट है इट मीन 0 कोरिलेशन, वेरी टुगेदर, एक बड़ा हीट बड़ी
आइसक्रीम कंजम्पशन बढ़ गई, पॉजिटिव कोरिलेशन है ना। तो कोरिलेशन है, ये कैसे कोरिलेशन है, ये तो बताया ही नहीं कि नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव, ये नहीं ना बताया। तो क्योंकि ये जीरो की है, जीरो वाला बीच में नहीं पूछा गया, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये वाला नहीं है, सिर्फ एक ही बता रहा है कि ये पॉजिटिव वाली है। अगर नेगेटिव वाली होती, यहां नेगेटिव का होकर था तो नेगेटिव को आप चूज करते, लेकिन बची एक रहा है कि एक के चेंज होने से दूसरा भी उसी तरफ को चेंज हो रहा है। व्हाट इज कंटेंट ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, एक बात याद रखना है, बड़ा कंफ्यूजिंग रहा, मेरे पास इनके रियल उत्तर नहीं है, मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं। अगर कल लॉजिक की बात आती है तो कॉग्निशन की, थिंकिंग की बात आएगी, थिंकिंग की, ठीक है, नॉलेज की, कॉग्निशन की। तो यहां पर कॉग्निटिव नॉलेज है, कॉग्निटिव नॉलेज। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, जब लॉजिकल एनालिसिस रिसर्च में है तो जो आप थिंकिंग, रीजनिंग, कॉग्निशन है उसके साथ आप एविडेंस भी देखते हो, एविडेंस देखते हो मतलब डाटा कलेक्ट करते हो, मतलब उसको एम्पिरिकल बनाते हो, मतलब अपने जो है एक्सपीरियंस जो है उसमें डालते हो, एक्सपीरियंस जो रिसर्च सॉरी सब्जेक्ट्स के। तो जब एविडेंस डाटा ये वो सारा कुछ आ जाता है तो साइंटिफिक ट्रुथ और एम्पिरिकल ट्रुथ भी साथ में शामिल हो जाते हैं। जब आप सिलोजिज्म की बात करोगे, सिलोजिज्म जो है लॉजिकल एनालिसिस नहीं है, वो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजन, तो सिर्फ वहां पर कॉग्निटिव वो नॉलेज ही चल रही है। अगर सभी लड़कियां जो टेबल है वहां एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट किया तो एक लड़की भी टेबल नहीं मिली, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो यहां पर वो नहीं है, ये लॉजिकल एनालिसिस और टेक्निक है। इन विच रिसर्च डिजाइन सैंपलिंग इज लीस्ट नेसेसरी, देखना क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपलिंग, देखना यहां पर जनरलाइजेबिलिटी, आप जनरलाइजेशन ज्यादा करना चाहते हो वहां सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो क्वांटिटेटिव में सैंपलिंग कहां जरूरत पड़ती है, क्वांटिटेटिव में जनरलाइजेशन, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है ना वो जनरलाइजेशन ज्यादा करती है, तो उसका न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसमें कौन कौन सी रिसर्च आती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, ये यही आ रही है, और कंपैरेटिव एनालिसिस है ना। तो अगर आप दूसरा मेथड है कि आपने राइट आंसर ढूंढना है, सभी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, सिर्फ एक है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव अगर क्वालिटेटिव है तो केस वैसे भी केस नंबर बहुत कम होते हैं, केस कई बार एक स्कूल, एक बच्चा, एक टीचर, एक यूनिट होता है, तो वहां सैंपलिंग क्योंकि जनरलाइजेबिलिटी उसकी बहुत कम या नहीं होती, बहुत कम या नहीं होती, तो दैट इज वाई लीस्ट उन्होंने कहा है हम केस स्टडी को राइट आंसर चुनेंगे। ए रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज रिलायबिलिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है, एक बात ये समझ लीजिए, आपका टूल वन है, मान लीजिए मैंने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, मेरा रियल में टूल था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्केल मैंने बनाया, तीरथ का स्केल है, ठीक है, और ये वॉलमैन का है, वॉलमैन का था, ठीक है, तो 120 आइटम थी इसकी है ना। जब मैंने 120 आइटम इनका इनके साथ ही कोरिलेशन देखा, एक मिनट यहां बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ही आइटम है, मैंने पहली का दूसरी के साथ, पहली का तीसरी के साथ, पहली का चौथी के साथ, पहले का पांचवी के साथ, पहले का छठी के साथ, ऐसे सभी का साथ कोरिलेशन देखा, फिर दूसरे का तीसरी के साथ, दूसरे का चौथी के साथ, दूसरे का पांचवी के साथ, फिर तीसरे का चौथे के साथ, ऐसे सभी का सभी के साथ कोरिलेशन देखा। इट मीन्स मैं कोरिलेशन विद सेल्फ देख रहा हूं ना, टूल का टूल के साथ, आइटम के साथ, इंटर आइटम कोरिलेशन की एग्जांपल दी ना, इसे इंटरनल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, सभी क्वेश्चन आते हैं बीच में। अच्छा, तो ये जब सेल्फ का सेल्फ से देखोगे तो कोरिलेशन कभी नेगेटिव आएगा, कभी भी नहीं आएगा, अगर नेगेटिव आता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो आइटम पहले से अच्छी नहीं बनी। दूसरा है कि वॉलमैन का टूल था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, मैंने इनका स्कोर लिया, मैंने अपने 100 बच्चों पर लगाया, 100 बच्चों पर ये वाला लगाया, 100 बच्चों पर मैं अपने वाला टूल लगाया और उनका कोरिलेशन देखा, तो वो कोरिलेशन आ गया 0.84 इतना आ गया है ना। तो एक का दूसरे के साथ अब कोरिलेशन है, वैलिडिटी में, कंकरेंट वैलिडिटी में आप देख रहे हो, एक का अदर
टूल के साथ कोरिलेशन, रिलायबिलिटी में सेल्फ के साथ कोरिलेशन। अब क्या है, नेगेटिव क्यों नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन, ये तो दिया ही गलत है, स्क्वायर नहीं कोरिलेशन का, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज नेगेटिव रिलायबिलिटी इज मीनिंगलेस, ऐसे नहीं है कुछ। इट डज नॉट मेजर डिफरेंट थिंग, ऐसे नहीं है कुछ। सेल्फ कोरिलेशन द राइट आंसर, जो भी बताया। नेक्स्ट है, टेस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट, जब लैंग्वेज नहीं चाहिए तो वर्बल नहीं आएगा, वर्बल टेस्ट नहीं होंगे, वे एक एक बात होगी, है ना। और पर साथ में क्या है, बट द रिस्पॉन्सेज इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, अगर एक्टिविटी यहां लिखा है तो क्या बात है, अगर एक्टिविटी यहां पर लिखा है तो नेचुरली है आप कौन सा चूज करोगे, नॉन वर्बल, क्योंकि नॉन वर्बल में एक्टिविटी नहीं है, डिजाइन है। जो टेस्ट है कौन सा है, ये रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, यहां नहीं दिखा पाऊंगा, तो डिजाइन है, एक दो तीन चार पांच छह डिजाइन है, उनमें से राइट चूज करना है, क्या एक्टिविटी है। यहां पर है बार्डियाज बैटरी, परफॉर्मेंस टेस्ट, एक्ट भी करना है और आपकी भाषा रेलिवेंट नहीं है वहां पर, दैट इज वाई राइट आंसर इज परफॉर्मेंस टेस्ट। Which of the following is not measure of central tendency? Mean median mode central tendency है और standard deviation जो है, deviation खुद ही तो कह रहे हैं deviation, ये देखिए ना deviate कर रहा है, किससे कर रहा है, center से जितना deviate कर रहा है, तो simple answer ये है। अब अगर नहीं भी पता तो आप simple deviation से इस right answer तक पहुंच सकते हैं। तीसरा एक और clue भी होता है, जो लंबाई लॉन्ग टेल वाला है उसकी संभावना ज्यादा सही होने की, राइट आंसर की होती है, अगर रीजनिंग नहीं चल रही तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, पहले रीजनिंग को यूज कीजिए। ए टीचर फाइंड आउट बाय सोशियोमेट्रिक दैट क्लास कंप्राइज प्लेइंग ग्रुप्स, स्टार्स, म्यूचुअल एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन, हु इज इन आइसोलेट, पीछे इसकी बात हुई है शायद, है तो वन हु लाइक्स द मोस्ट क्लासरूम, जो लाइक हुआ वो आइसोलेट में, आइसोलेशन क्या होती है एक देख लेना ये बात, मान लीजिए ये क्लास है, ग्रुप है और ये बच्चा जो है यहां अलग बैठा रहता है डिस्टेंस पर, दूसरा है कि एक बच्चा बैठा तो यहां है लेकिन उसका मन इनमें नहीं है, इसको बोलते हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस साइकोलॉजिकली आप अकेला फील कर रहे हो, बेशक आप ग्रुप में हो, आप अपने साथी के साथ हो। दूसरा है कि आप फिजिकली ना इनको लाइक कर रहे हो और ना ही आपको कोई लाइक कर रहा है, तो आप आइसोलेटेड हो, इतनी बात है। ये क्वेश्चन है, हु इज नॉट लाइक बाय एनीवेयर, हाँ ये प्रोबेबिलिटी है, बट आगे देख ले, वन हु डू नॉट लाइक बाय एनीबॉडी एंड हु डज नॉट लाइक एनीबॉडी, ये लॉन्ग टेल भी हो गया ना, वन हु लाइक्स ए पर्सन एंड सेकेंड वन लाइक्स हिम, ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, प्यार हो गया ये वाली बात, ये आंसर नहीं है, राइट आंसर इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैलिडिटी इज लीस्ट क्वांटिफाइएबल, नंबर में नहीं आती, 0.84 जैसे पीछे बताया था, 0.91 क्वांटिफाइड, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यस, डिस्क्रिमिनेंट, कन्वर्जेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद, मैनिपुलेशन के बाद, ऐसे कई होती, कंकरेंट अभी एग्जांपल देके आया हूँ वॉलमैन का, तीरथ सर के स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्केल से कोरिलेशन, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट अगर कहीं भी आए, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वहां प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ही अप्लाई होती है, तो फेस वैलिडिटी को तो वैलिडिटी नहीं मानते, जब आप प्यार करते हो, जब शादी करते हो तो आप फेस ही देखते हो ना, बाद में पता चलता है अंदर यार कुछ और मिला ही नहीं, वैलिड नहीं पर्सन मिला। अच्छा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेसमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट तो होता कि अगर आपने ये उस टेस्ट के बाद जॉब दे रहे हैं, है ना, ऐसे तो नहीं है ना कुछ, तो एटीट्यूड टेस्ट तो पक्का नहीं है, क्योंकि टेस्ट जब एटीट्यूड टेस्ट नहीं होता, टेस्ट में हमेशा राइट और रॉन्ग आंसर होते हैं, वन और जीरो मार्क्स होते हैं, या जीरो और टू ऐसे मार्क्स होते हैं, तो एटीट्यूड हमेशा स्केल होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अचीवमेंट टेस्ट वो होता है जब आपने टीचिंग की है, टीचिंग, और उसके बाद टेस्ट लिया है,
तो टीईटी में कोई किसी को टीच थोड़ी खुद कोचिंग लेते हो वो अलग है, कोई फॉर्मल टीचिंग किसी की यूनिवर्सल नहीं हो रही। जैसे टेंथ के मैथ को टीच किया जाता है उसके बाद उसका टेस्ट होता है तो वो अचीवमेंट टेस्ट होगा, है ना, ये कंसेप्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपका स्पेसिफिक पोटेंशियलिटीज, स्पेसिफिक पोटेंशियलिटीज टेस्ट की, है ना, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल एरिया में सक्सेस के लिए। अगर वो टीचिंग की है तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ ये सबसे ज्यादा रिलेटेड। टीईटी क्या है कि टीचिंग प्रोफेशन में सक्सेस हासिल करने के लिए अच्छे कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 60% है शायद मेरे ख्याल में 90 स्कोर चाहिए ना पास होने के लिए, तो क्राइटेरिया फिक्स है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ गया। यूजीसी जो है वो देखता है कि हाईएस्ट रैंक कितना है, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट 2% जो टॉप के कैंडिडेट है उनको उठाया जाता है, वहां पर परसेंटाइल पर सेंटाइल है, तो वो क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। वापिस चलते हैं टीईटी पर। तो टीईटी में के कंफ्यूजन हम प्लेसमेंट से कर सकते हैं, प्लेसमेंट तभी होती है कि टीईटी जो पास कर जाएगा उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टीईटी जो पास कर जाएगा वो एलिजिबल हो रहा है, उसने एक क्राइटेरिया अचीव किया है, उसके बाद का कॉम्पिटिशन डिफरेंट है, तो वो जो है प्लेसमेंट टेस्ट नहीं है। प्लेसमेंट टेस्ट आपको जॉब में ले जाता है, वहां प्लेस कर देता है, तो ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट। राइट आंसर इज एप्टीट्यूड टेस्ट। Which of the following tool of collecting psychological information about the pupils is most objective? Objective पूछा है। Objective क्या बताया था कि आपकी feelings जो हैं, emotions, biasness, ये जो भी object है यहां पर टूल है, उसने डाटा कलेक्ट करना है, तो ये फीलिंग्स, इमोशन, बायसनेस डाटा को इन्फ्लुएंस ना करे, ये क्वेश्चन पूछा गया। जो करती है डाटा को इन्फ्लुएंस वो सब्जेक्टिविटी है उसमें। इंटरव्यू में आप पर्सनल पर्सन, यस, जब इंटरव्यू जो पूछ रहा है उसकी प्रोजेक्शन बायसनेस हो सकती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव, ठीक है। ये तो अनकॉन्शियस ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने की है, वैसे इसको होलिस्टिक टेक्निक भी कहा जाता है, तो ये भी रहेगी। तो रेटिंग स्केल है, रेटिंग स्केल की हाँ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की क्यों ज्यादा है? एक तो इसमें जो ऑप्शन है, जो आइटम्स है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल पर है, नंबर एक। नंबर दो, कंटिन्यूअस वेरिएबल पर होने के कारण उसकी का आइटम एनालिसिस होता है। आइटम एनालिसिस में डिस्क्रिमिनेशन पावर एस्टिमेट की जाती है कि मिनिमम डिस्क्रिमिनेशन पावर जिसकी इतनी है हर आइटम की, क्वेश्चन की, एमसीक्यू टेस्ट की, एक स्टेटमेंट की, जो भी आप टूल बना रहे हो, तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। अगर उससे कम है तो वो रिजेक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस जो है टू एस्टिमेटिंग या असेसिंग डिस्क्रिमिनेशन पावर, और जो वो उस डिस्क्रिमिनेशन पावर से डाउन वाली आइटम है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अच्छी आइटम सिलेक्ट हो गई, तो ये आइटम एनालिसिस का सेंट्रल आइडिया है। इसके अलावा अगर एबिलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, मैथमेटिकल अचीवमेंट टेस्ट है, तो उसकी डिफिकल्टी वैल्यू भी जज होती है, तो इसके बेस पर, आइटम एनालिसिस के बेस पर अच्छी आइटम निकाली जाती हैं, और उसके बाद उन आइटम की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। दैट इज व्हाट दिस प्रोसीजर इज नोन एज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो मोस्ट ऑब्जेक्टिव, इफ ए रिसर्चर कंडक्ट रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट मोर इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ, ये बात हो चुकी है, एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर द इफेक्ट, है ना, तो अभी तो कोई इफेक्ट हो चुका है, क्या इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस जहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, अच्छा थोड़ा सोचा जा सकता है, पहली बात ये देख ले कि अप्लाइड रिसर्च तो नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रिसर्चर कंडक्ट ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर, इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि कंट्रीब्यूट कौन ज्यादा करता है टू
इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ। अब ऐसे क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में ज्यादा पूछे जा सकते हैं वैसे, कि आपने ये देखना है एक्स फो फैक्टर, इसको याद कर लेना है कि इसके क्राइटेरिया क्या है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और आपको इफेक्ट से कॉज की तरफ जाना है आफ्टर द फैक्ट, ये बात याद कर ली। और एक्शन रिसर्च का ये देख लिया कि आपने लोकल प्रॉब्लम को, लोकल मतलब अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अपनी प्रॉब्लम को फोकस करना है, डाटा कलेक्ट करना है और सोल्यूशन निकालना है और उसी लोकल प्रॉब्लम पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च को याद रखना है, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर, कोई भी थ्योरी याद है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो आपको इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक इसमें दिखाई दिया है तो उस पर विचार कीजिए। तीसरा है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जो फंडामेंटल रिसर्च हो चुकी है उसके बेस पर स्पेसिफिक एरिया में उसको अप्लाई करके सॉल्व करने की प्रॉब्लम की कोशिश करनी है। यहां क्या है कि आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल पर फंडामेंटल रिसर्च या पिछली रिसर्च हो चुकी है? यस, मेरे ख्याल में 4, 5 या 10 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है जो पिछली थ्योरीज ने फाइंड आउट किए हैं, ये हो गया। और इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस पर रिसर्च हुई है, पिछली थ्योरी है, हाँ जी है, कि इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस वो है जो गोल अचीव करती है, एम्प्लॉइज का ध्यान रखती है, वो दिखाता हूं, मतलब ऐसी डिफाइंड ऑलरेडी थ्योरीज है। इट मीन्स फंडामेंटल रिसर्च इस पर हो चुकी है, इनको यूज करके आप नेक्स्ट स्पेसिफिक एरिया में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, यही देखना चाहते हो ना, कि 1, 2, 3, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, अभी दिखाता हूं, तो वो उनमें से कौन सा बेस्ट है, बेटर है, जो बेटर है नेचुरली है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को, एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग देने के लिए वो स्टाइल को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दोगे, ऐसे अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये नेट से मैंने निकाला है, ये देखिए अथॉरिटेटिव, परसुएसिव, है ना, ये देखिए डेमोक्रेटिक, कितने टाइप्स के जो मैनेजमेंट स्टाइल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स हैं, तो उनमें से आपने 2, 3, 4 वेरिएबल ले लिए, दूसरा लेवल ले लिए, सॉरी वेरिएबल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ही है। तो ये थ्योरी है कि जो रिसोर्स अप्रोच है, गोल अप्रोच है, कोई भी अप्रोच, इतनी ज्यादा 4 मेन पर्सपेक्टिव है जिससे आप इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं, इसकी आइटम बन जाएंगी, टूल हो जाएगा, टूल के बाद में जवाब दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए आपने 3 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल लिए हैं, यह कलर मैंने चेंज कर लिया, ऑटोक्रेटिक ले लिया, डेमोक्रेटिक और प्रोसेसिव। आपने इंस्टीट्यूट 10 ये ले ली, 10 ये ले ली, 10 ये ले ली, जिनका ये स्टाइल है, आपने वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल क्वेश्चनर अप्लाई करके इनको डायग्नोज कर लिया कि ये, सॉरी डायग्नोज आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 10-10 मैंने या 12-10 इसके करीब आपने चुने। उसके बाद हर एक इंस्टीट्यूट पर एक और स्केल लगाया जो था इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, मान लीजिए उसका स्कोर आ गया, वो स्कोर जितना भी आता है वो 10 इंस्टीट्यूट का आपने मीन स्कोर निकाल लिया, मान लीजिए इसका आया है ऑटोक्रेटिक का आया है 50, है ना, मीन स्कोर, डेमोक्रेटिक का आया है 90 और पर्सुएसिव का आया है 70। तो फिर आप वन वे अनोवा, क्योंकि 3 टेक्निक है, वन वे अनोवा लगा के इन तीनों में डिफरेंस देखते हो, आप देखते हो कि डेमोक्रेटिक जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही क्वेश्चन था ना, ये ऐसे सॉल्व होना है। यहां इसके आगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, वो नहीं यहां बात करूंगा, वन वे अनोवा से, क्योंकि 2 से ज्यादा ग्रुप है उनमें डिफरेंस देखना है, तो वन वे अनोवा फॉलोड बाय टी टेस्ट। तो यहां पर बेस्ट ये आ गया नंबर 1 पर, 2nd पर ये आ गया, और इसके बाद आप इंटरेक्शन इफेक्ट निकाल सकते हो, बात की बात है, ये क्वेश्चन में जितना पूछा गया वहीं तक रहेंगे। तो यहां से अब साफ ये है कि अप्लाइड रिसर्च में ये बहुत ज्यादा फेवर में जा रहा है, कारण ये है कि आप एक इंस्टीट्यूट को की सोल्यूशन नहीं आप ढूंढ रहे, आप कोई फंडामेंटल थ्योरी नहीं बना रहे, थ्योरी नहीं जनरेट कर रहे, है ना,
तो ये भी रिजेक्ट हो गया। आप बैकवर्ड नहीं जा रहे एक्सपोज फैक्टो। अच्छा, अगर ये ऐसे होता कि इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट में दोनों वेरिएबल अक्कर हो चुके हैं तो आपने कंट्रोल प्रोसीजर भी बताना चाहिए आपको, लेकिन यहां पर कंट्रोल प्रोसीजर नहीं बताया गया। एक्सपोज फैक्टो में कंट्रोल प्रोसीजर भी होता है। कंट्रोल प्रोसीजर क्या होता है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस से प्रीवियस रिसर्च बता रही है कि जो हेड है उसका आईक्यू है ना, आईक्यू मान लीजिए इंटरवेन कर रहा है, तो अगर आप आईक्यू के बेस पर तीनों इंस्टीट्यूट 10-10-10 इंस्टीट्यूट वो सिलेक्ट करते हो जिनका आईक्यू लेवल बराबर है, अब आपने आईक्यू को कंट्रोल कर लिया, ऐसी कोई बात इस रिसर्च में दिखाई नहीं देती। अगर ऐसी बात कोई होती कि वो कंट्रोल करके करना है, इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल करके करना, तो वो एक्सपोज फैक्टर इसका जवाब होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल भी फंडामेंटल उसका स्केल बना, डिवीजन की कि ये स्टाइल इनका है, ये स्टाइल इनका है, और इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस अप्लाई किया, उनको कंपेयर किया और आपको पता चल गया कौन सा बेटर है। परसेंटाइल वर्डिंग की बहुत, जो आपको लैंग्वेज की नॉलेज है ना होनी बहुत जरूरी है। जब सेंट आता है ना, सेंट का मतलब है 100। परसेंटाइल डिवाइड द सीरीज इनटू डैश पार्ट, सेंट मीन 100, मेरे ख्याल में इतना काफी है। रिसर्चर कंडक्टेड 3 एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए क्या 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 कर रहे हैं। अब ऑप्शन भी देखनी है हमने, सबसे पहले डिलीट करना है कि कौन सा डिलीट हो रहा है। 3 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नंबर 1 विद 100 सब्जेक्ट्स फॉलोइंग द यूनिफॉर्म सेम इंस्टेंट 1 एक्सपेरिमेंट। ये 100 ये 3 ले सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि रिसर्चर कंडक्टेड 3 एक्सपेरिमेंट विद 100 सब्जेक्ट, 100 पर ही किया। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट 1 किया, ठीक है, उसकी फाइंडिंग आ गई, ठीक है, देखा रिपीट करके फिर तो जब रिपीट करते हैं तो रेप्लिकेशन उसको बोलते हैं, रेपिटेशन प्लस डुप्लीकेशन। ठीक है, तो सीधा आंसर तो ये मिल रहा है, लेकिन हमने कैसे ढूंढना है, तो ये क्या कोई वैलिडेशन है? हाँ, आप वैलिडेशन प्रोसेस पॉसिबल है कि आप फाइंडिंग को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि 3 एक्सपेरिमेंट है, इसको ये करके और ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस है रेप्लिकेशन। हाँ, उसका पर्पस हो सकता है कि वेरीफाई करना, वैलिडिटी को जो है फाइंडिंग्स है उसको वैलिडेट करना, ये पॉसिबल है। सेकेंड ऑप्शन ये बेटर हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं भी मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा होती है। तो मैनिपुलेशन मीन चेंज, आप चेंज कर रहे हो कोई, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कोई वेरिएबल है ना, आप कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इक्वेट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैनिपुलेशन की एग्जांपल थी। ऑब्जर्वेशन, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल की होती है ना, तो ये पार्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। एक है ऑब्जर्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है जिसमें आपने कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लासरूम में नए मेथड से टीच कर रहे हो, आपने मेथड ऑफ टीचिंग को मैनिपुलेट कर लिया, चेंज कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया है ना, तो आप इक्वेट भी करते हो उसको है ना, जो आप जिसे चाहते हो तो रैंडमली मतलब असाइन करते हो कि इस ग्रुप को इस मेथड से, इस ग्रुप को इस मेथड से टीच किया जाएगा, ये डिफरेंट बात है। तो यहां पर हमारा जो आंसर साफ है रेप्लिकेशन। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड, मैंने बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव टेक्निक है, और ये पहले लिटरेचर के बेस पर आपने थ्योरी आइडेंटिफाई की, थ्योरी फिर क्या है जो आपने हाइपोथेसिस बनाए, हाइपोथेसिस बनाने के बाद डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब ये कहते हो रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, तो हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि आप हाइपोथेसिस पहले बना रहे हो ना, बिफोर द एक्सपेरिमेंट। ओके, जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च है वहां पर आप ग्राउंडेड थ्योरी की बात करो, तो आप डाटा हॉस्पिटल में चले गए डाटा लेने के लिए, डाटा लेने के बाद आप जब कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं एनालिसिस के लिए है ना, कीवर्ड्स, उसके बाद कंसेप्ट्स, तो आप रिलेशन देख रहे हो, अब ये आपके हाइपोथेसिस बन रहे हैं, फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हो, हाइपोथेसिस चेंज हो रहे हैं, वहां मॉडिफाइबिलिटी पॉसिबल है, यहां मॉडिफाइबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस पॉसिबल
नहीं है, तो राइट आंसर इज बिफोर द एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव में डाटा कलेक्ट करने के बाद और मॉडिफाइड होते हैं। यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टेबल होता है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, यहाँ टेस्ट नहीं करना, हाइपोथेसिस को इम्प्रूव करना है, थ्योरी की तरफ जाना है, यहाँ थ्योरी से हाइपोथेसिस बन रहे हैं, यहाँ हाइपोथेसिस से थ्योरी बन रही है, डाटा से हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से थ्योरी, क्वालिटेटिव में। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ये तो नॉनसेंस है, तो सीधा सीधा आंसर है ये। तो मैंने कोशिश की है, वीडियो का लंबा हो गया है, लेकिन आपको कंसेप्ट बेसिक समझ आ जाए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा वो मुझे जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये ऐसे करवाना चाहिए, ये नहीं, कोई फीडबैक जरूर दीजिए। और भी अगर आप क्वेश्चन चाहते हो कि ऐसे मैं डिस्कस करूँ रिसर्च के, तो काइंडली एक बार ऑर्डर कीजिए, जरूर करूंगा। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।